नमस्कार दोस्तों तो आज का सेशन जबरदस्त होने वाला है और सभी के मन में एक प्रश्न था जिसको हम देख रहे थे कि अनिल मोहित सोनिया वेलकम सभी के मन में एक क्वेश्चन था कि अचानक डेट आ गई हालांकि डेट पहले आनी चाहिए थी लेकिन तब भी अक्सर हमारा नेचर होता है कि हम पढ़ाई तभी शुरू करते हैं जब डेट आ जाए लेकिन कभी कभी जब डेट आ ही जाती है तो ऐसा लगता है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े अब क्या होगा ठीक है वेलकम मोहिनी तो आज हम पूरा डिस्कस करेंगे मैं एक ऐसे एक्शन प्लान को लेकर चलूंगा और एक पूरा सर्वे के बारे में बात करूंगा हाय जय तो एक सर्वे जो हम लोगों ने मिलकर हमारी पूरी कॉटल एकेडमी की टीम ने किया है और उस सर्वे के मुताबिक हम देखते हैं कि क्या हमको एक एक्शन प्लान करना चाहिए और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आसानी से हम चाहे तो प्री को क्रैक कर सकते हैं इन 45 दिनों के अंदर इन 45-50 दिन का एक प्लान हम डिस्कस करने जा रहे हैं ठीक है ना तो उसको उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके और आप समझने की कोशिश कीजिएगा जो लोग जस्ट प्री देने जा रहे हैं और आगे भी जो देना चाहते हैं वो लोग भी इस प्लान को समझने की कोशिश करें क्योंकि प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन पैटर्न और एग्जाम पेपर का जो ट्रेंड चला आ रहा है उसको स्टडी करना हमें हमेशा जरूरी होता है और पिछले चार साल पांच साल से पीएससी ने जो क्वेश्चन दिए हैं अलग अलग सेगमेंट से उनका आ, जो नंबर है कई बार ऊपर नीचे ग्राफ हो रहा है तो एक सर्वे के मुताबिक हम देखना शुरू करेंगे ओके थैंक यू हेलो अनामिका तो अगर आप प्रारंभिक परीक्षा की बात करें एमपीपीएससी प्री की तो सिलेबस को देखें आप जनरल में एक, ये सब आपको पता ही होगा पहले से लेकिन तब भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं हाँ मनीष वेलकम

जिसमें जो कि क्वालिफाइंग है केवल इसमें भी हंड्रेड क्वेश्चन टू हंड्रेड मार्क्स के आते हैं हम वेलकम uh, हम चर्चा जो करने वाले हैं आज वो बेसिकली जो ध्यान देना है हमको वो सामान्य अध्ययन के पेपर के बारे में चर्चा करेंगे टोटल सी सेट क्वालिफाइंग होता है अक्सर चूंकि डिसीजन मेकिंग कम्युनिकेशन मैथ एंड रीजनिंग थोड़ी बहुत जनरल uh, हिंदी वगैरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं जो कि क्वालिफाइंग होता है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का ये निकल जाता है तो लेकिन इसको इतना आपको वैसे भी नहीं छोड़ना है रफली के चलो हो जाएगा इसमें इसकी थोड़ी बहुत आपको मैथ रीजनिंग वगैरह की थोड़ी थोड़ी जानकारी सबकी रहनी चाहिए कुछ प्रीवियस ईयर के सी के जो एग्जामिनेशन पेपर है उनको आप एक बार तो स्टडी कर लें तो आसान हो जाएगा काम लेकिन अगर क्योंकि मैं ऐसा इस, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर 40 परसेंट से डाउन गया तो ये तभी आपका कंसीडर होगा जीएस का पेपर इसलिए जरूरी भी है ओके तो जो सामान्य अध्ययन का पेपर है जिस पे हमको स्ट्रेस लेना है उस स्ट्रेस को हम किस तरह से देखेंगे उस मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं स्ट्रेस को कम करने की आपकी कोशिश करूंगा ठीक है ना और आपके क्वेश्चंस का मैं लगातार स्वागत करूंगा लेकिन जो प्राइमरी तौर पे मैं बताना चाहता हूं उसको हम एक बार सर्वे को देख लें तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं छोटा मोटा और भी पॉइंट हो सकते हैं जो कि हम डिस्कस करते चलेंगे ओके तो अब हम वन बाई वन टॉपिक्स को पकड़ते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं बड़ा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी भूगोल के बारे में बात करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि पिछले 2015 में इसके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे ठीक है इसके बाद 16 में सर्वे के मुताबिक 14 के लगभग क्वेश्चन रहे 14, 2017 में 11 क्वेश्चन रहे और 2018 में नौ क्वेश्चन रहे यानी इसका डिक्रीजिंग ट्रेंड चला आ रहा है कुछ यानी कि प्री के क्वेश्चन पेपर में ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो ट्रेडिशनल जो सब्जेक्ट के आते थे वो थोड़ा सा ट्रेंड उसका गिर रहा है कम की तरफ जा रहा है और अगर भूगोल की आप इस समय तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आप एक ऑन एन एवरेज मान के चलें कि जो एमपी का भूगोल है और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है इन दोनों का इंडियन ज्योग्राफी के कंपैरिजन में क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में वो उनके जो क्वेश्चन है वो घूम के किस तरफ चले जाते हैं एमपी की ज्योग्राफी पे चले जाते हैं तो इंडियन में ही इंक्लूडेड हो जाते हैं वो और वर्ल्ड ज्योग्राफी है इन दोनों का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा रहेगा जब भी क्वेश्चन आएंगे तो ओके और इसलिए ज्योग्राफी पर जब आपको ध्यान देना है टाइम हमारे पास कम है मैं आखिर में बताऊंगा कि आपको क्या फाइनल स्टडजी करनी है पहले आप समझते चले थोड़ा सा तो ज्योग्राफी का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा डाउन पर जा रहा है यानी कि कम क्वेश्चन आने की संभावना इस ट्रेंड के मुताबिक दिख रही है लेकिन हम प्रेडिक्ट कुछ भी नहीं कर सकते अभी हम एक संभावित चीजों पर विचार करने की कोशिश कर रहे हैं ओके तो ज्योग्राफी में भी एमपी की ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को आप देखने की कोशिश करें तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा इसको एक तेजी के साथ में आप पढ़ते चले जाए ओके चलिए अब हम आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक एवरेज आप निकालेंगे तो आप देखिएगा किस तरह से वेरिएबल है बिल्कुल 2015 में लगभग पांच क्वेश्चन थे 16 में आठ थे 17 में दस क्वेश्चन बढ़े और फिर अचानक 2018 में तीन क्वेश्चन आए देखिए जनरल साइंस और अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो अगर आप जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी को दोनों को मिला के करंट से जोड़ दें जो करंट अफेयर तो कई सारे जो क्वेश्चन हैं वो करंट अफेयर के थ्रू जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछे जाते हैं जनरल साइंस में जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है हमारा यानी कि बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर इससे आप अंदाजा लगाएंगे तो बायोलॉजी में आपको किन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है जो डिसीज वाले पोर्शन है मिनरल्स विटामिन वाले पोर्शन है और ह्यूमन फिजियोलॉजी है ये तीन हिस्सों में से आपके क्वेश्चन बाकी सारी बायोलॉजी को अभी आप साइड कर दें आप ह्यूमन डिसीजेस और जो नई टेक्नोलॉजी है नमस्कार प्रशून इससे संबंधित क्वेश्चंस को तैयार करें फिजिक्स में तीन क्वेश्चंस जो तीन सेगमेंट हैं लाइट है मैग्नेटिज्म है इलेक्ट्रिसिटी है इन तीन से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, केमिस्ट्री में वन लाइनर जनरल फैक्ट्स जो होते हैं उनके आने की संभावना इसमें रहती है बाकी जो टेक्नोलॉजी का पोर्शन है क्योंकि सब्जेक्ट को आप ऐसे नहीं हटा सकते कि टेक्नोलॉजी में से आप जानते हैं कि डिफेंस टेक्नोलॉजी है स्पेस टेक्नोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी है आ, ये कमी आईटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है नैनो टेक्नोलॉजी है बहुत सारे सेगमेंट है इनसे जो करंट अपडेशन है और जनरल साइंस से भी जो करंट अपडेशन के आता है है उसके क्वेश्चंस आने की संभावना बनी ही रहती है, क्योंकि आप जानते हैं अप्लाइड साइंस जो है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है इसलिए उससे क्वेश्चन आ सकते हैं वो रूप बदल के आ सकते हैं करंट अफेयर्स के रूप में आ सकते हैं ओके तो ये इसका ट्रेंड चला आ रहा है साइंस के बारे में बात कर रहे हैं तो साइंस को आप थोड़ा सा अभी ये ट्रेंड जो दिख रहा है ऐसा ना मानते हो अगर जनरल साइंस भी जोड़ देंगे सॉरी करंट अफेयर और जोड़ देंगे तो ये इसका रेशियो काफी बढ़ जाएगा करंट अफेयर की बात करते हैं हम सभी इस समय इस जानते हैं कि लगभग टू इयर्स दो साल का करंट अफेयर तो हम लोगों का तैयार होना चाहिए अच्छे से है ना क्या देखते हैं 2015 में सिर्फ दो का ट्रेडिशन चलता था लेकिन 2016 में एकदम जंप आती है तेरह क्वेश्चन करेंट अफेयर से हैं 2017 में बारह क्वेश्चन लेकिन 2018 में तीन ही क्वेश्चन थे देखिए मैं ऐसा मानता हूं ये तीन और दो आपको क्वेश्चन देख रहे हैं इसको हम कई बार हेलो आदित्य अजय कई बार हम क्या करते हैं कि करंट अफेयर को हम किस तरह से जानते हैं जो सब्जेक्ट से थोड़ा ज्यादा परे हो उसको हम करंट अफेयर की श्रेणी में रखते हैं लेकिन करंट अफेयर कुछ और नहीं है आपने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं उनका रीसेंट अपडेशन है नमस्कार मनीष श्रद्धा कात्यानी वेलकम सुमित सभी लोग गौर से सुनते चले अभी मैंने जरा सी चर्चा की है थोड़ी देर में रिपीट भी कर दूंगा तो करंट अफेयर का जो आज का सिनेरियो है तो आप यकीन मानिए जो अलग अलग टीचर्स और एक्सपर्ट से मैंने बात की सबसे चर्चा की तो सबका यह कहना है कि करंट अफेयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी क्योंकि सरकार के बदलने से और कई सारी नीतियों में परिवर्तन होने से करंट अफेयर में भी कई सारी चीजें जुड़ेंगी ओके वेलकम प्रतीक्षा तो करंट अफेयर की बात करें तो ये पिछले सालों के आए हुए कुछ क्वेश्चन है लेकिन इस साल ज्यादा संभावना है 20 से 25 तक भी करंट से क्वेश्चन जा सकते हैं ओके okay? पॉलिटी की बात करें तो आप देखेंगे ऑन है, अधिकार हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जितने भी नीति निर्धारक तत्व हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आपकी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो बार बार बदले हैं नए नए हुए हैं हेलो अमित गौरव लोकेश नमस्कार आशीष हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे कि 2015 में जो पॉलिटी के क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं हम लोगों से ओके तो 10 क्वेश्चन 2015 में आए हैं 2016 में आठ क्वेश्चन रहे हैं 2017 में नौ क्वेश्चन रहे हैं और 2018 में लगभग दस क्वेश्चन रहे हैं तो पॉलिटी से 8 से 10 क्वेश्चन रहे हैं छोटा सब्जेक्ट है अगर आप स्पीड अप करें तो कम समय में पॉलिटी को कवर किया जा सकता है क्योंकि कई लोगों को पॉलिटी में थोड़ा कम समय लगता है अच्छे से समझने के बाद तो आपको उसको कवर कर सकते हैं ओके वेलकम सुमित नेहा तो पॉलिटी राज व्यवस्था से आठ से दस क्वेश्चन आने की लगातार संभावना रहेगी अगर आप ये पांच टॉपिक को बहुत स्ट्रांग करके जाए तो ये समझ लीजिए आपके जो एवरेज क्वेश्चन आने की संभावना है छह क्वेश्चन लगभग लगभग एनी टॉपिक से आ जाते हैं तो इन पर ज्यादा स्ट्रेस रखें आप और उसके आगे जो करते चले लास्ट टाइम के लिए मैं बता रहा हूं ना आपको स्लाइड्स में बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आखिरी स्लाइड तक आते आते आपको पूरा एक्शन प्लान क्लियर करूंगा कि किस तरह से आपको चीजों को देखना है ओके हैं तो ये जो पांच जैसे टॉपिक मैंने बताने की कोशिश की है जितने भी अमेंडमेंट आप देख रहे हैं बीच में आ, कई सारी चीजों में सुधार हुए हैं तो वो सारे अमेंडमेंट्स को आपको ध्यान देना है ओके तो ये एक एवरेज रहा है क्वालिटी का अगर पॉलिटी को आप शार्प हाई स्पीड में इन टॉपिक्स को कंसिडर करके करें तो सारा हो जाएगा नहीं ये फर्स्ट नहीं है मैं कई सारी स्लाइड बता चुका हूं पीछे मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा हमारे पास 90 मिनट का समय है पूरा ठीक है तो आगे करते चलेंगे अपन उसको धीरे धीरे ठीक है वेलकम कृष्ण चलिए अब आगे की बात करते हैं इकोनॉमी की बात करते हैं हम तो इकोनॉमी में 2015 में 9 क्वेश्चन 2016 में 7 क्वेश्चन 2017 में 5 क्वेश्चन और 2018 में 8 क्वेश्चन है ओके okay? देखिए मैं एक बात बता देता हूं आपको यानी कि इकोनॉमी से आप इस तरह से समझें कि जो फाइव ईयर प्लान है मोदी गवर्नमेंट के जो जो भी प्लान इंप्लीमेंट हुए हैं और प्लानिंग कमीशन से संबंधित जितनी भी बात है वो सारी इकोनॉमी को कैसे प्रभावित कर रही है और इसका जो करंट है इकोनॉमी का इसके आने की संभावना ज्यादा रहती है अगर आप लोगों का कोर सब्जेक्ट ठीक नहीं है इकोनॉमी तो आप चाहे तो अभी इसे कम भी रख सकते हैं इसे छोड़ भी सकते हैं इसे कि इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच कर सकते हैं ठीक है ना क्योंकि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं डेज के लिए इसलिए अगर आपको लगता है मैं वैसे भी आपको बता दूं अगर आपको यह लगता है कि मेरा कोई एक कोर सब्जेक्ट वीक है गुड इवनिंग आनंद इंद्रबीर अगर आपको यह लगता है कि आपका कोई भी कोर सब्जेक्ट डिस्टर्ब जा रहा है तो आप बिल्कुल उसे छूए भी ना आप बिल्कुल उसको स्केप कर जाएं कोई दिक्कत नहीं है आपके जो स्ट्रॉग सब्जेक्ट चल रहे हैं उनको और स्ट्रॉन्ग कर लें उनमें अच्छे से प्रैक्टिस कर लें इस बात का खास ध्यान रखें क्योंकि यह वक्त नहीं है अब आपके पास कि आप 45 दिन के भीतर किसी कोर सब्जेक्ट को अच्छा कर सकें इसलिए जो आता है उसको स्ट्रॉन्ग करना है ओके चलिए मिसलेनियस विविध की अगर बात करें तो सच्चाई ये है कि विविध चूंकि अलग अलग सब्जेक्ट से जुड़ा रहता है कई सारे सब्जेक्ट से जुड़ी हुई बातें होती हैं तो इसको हम

मिसलेनियस में आप यूं समझ लीजिए सबसे बड़ी स्टैचू कहाँ है या फर्स्ट महिला पायलट कौन थी अलग अलग हर सब्जेक्ट से संबंधित इस तरह की जो चीजें हैं वो सारी की सारी मिसलेनियस में आती हैं इसे विभद कहते हैं इसका कुछ आप इसका सिलेबस नहीं बता सकते एक्चुअली वन लाइनर फैक्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं हर चीज के दिवस है जैसे वर्ल्ड टीवी डे कब मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है पहले राष्ट्रपति कौन थे बहुत सारी छोटी बड़ी बातें सबसे बड़ी नदी सबसे बड़ी झील कुछ मतलब भी आ सकता है ऐसा आप समझ में कोई होता था कि हम कराने जा रहे हैं उसके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो होते थे वो मिसिनियस टाइप के होते थे कहीं से भी उठा के जो इंपॉर्टेंट बातें किसी देश को लेके राष्ट्रीय पशु पक्षी ये सारी चीजें इसमें आ सकती हैं ठीक है, है कात्यानी लेकिन ये जो ट्रेंड दिख रहा है ये बदलता हुआ नजर आएगा आपको आने वाले एग्जामिनेशन में ठीक है ना तो आप क्या देखेंगे कि कि एक्सपर्ट का का ये कहना है कि का बहुत बड़ा रोल प्री में रहेगा इस बार के और मैं टोटल आखिरी में मार्क्स जब जोड़ूंगा आदित्य हेलो जब मैं मार्क्स सारे जोड़वाऊंगा आपसे आपके सामने और आप आसानी से हिसाब लगा सकेंगे कि प्री हम क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ओके तो पे आप लोग गौर करके रखें अच्छे से ठीक है चलिए स्पोर्ट्स की बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये सौम्या वेलकम स्पोर्ट्स को आप लोग अच्छे से तैयार करके रखें आप जो प्रतियोगिता दर्पण है उसका विशेषांग जो खेलकूद विशेषांग आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है ना और भी कई सारी मैगजीन आती हैं कौटिल्य भारत एक बहुत अच्छी मैगजीन है एकेडमी से निकलती है इंदौर से और

आप समझ सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री निकालने के नजरिए से वो स्पोर्ट्स की करने के लिए आपको बिल्कुल जो मूल वो है उसकी फाइनल वो आपको करनी चाहिए और जो बुक आती हैं उनको जैसे आप, आ, 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 मुझे पता नहीं है कहते हैं नहीं कि आप क्लासेस कहाँ लेती हैं अगर क्लासेस का होता तो मैं कोशिश करूंगा आ, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन की जरूरत है तो अभी कुछ कल या परसों से लाइव ऑनलाइन हम करंट देना शुरू करेंगे तो पर मंथ का एक 90 मिनट के लेक्चर हम कोशिश करेंगे लास्ट ट्वेल्व मंथ के करंट को अपडेट करने की वन मंथ का एक लेक्चर में कवर करेंगे और फिर हम सेगमेंटल करंट उठाएंगे जैसे कि स्पोर्ट्स के लिए एक क्लास रखेंगे 90 मिनट की जिसमें मैं कोशिश करूंगा जितने भी आपके गेम्स हैं उनकी जो टर्मिनोलॉजी है वो भी आपको बता पाऊं और जितनी हेल्प कर सकूं मैं करने की कोशिश करूंगा ओके चलिए तो आगे की बात करते हैं अब कंप्यूटर की बात करते हैं देखिए कंप्यूटर पर भी क्या है ओके okay, ठीक है करते हैं ठीक है आपको अपडेशन मिल जाएगा कंप्यूटर की बात करते हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कोशिश करें जो लोग भी नए खिलाड़ी बैठेंगे और पुराने जो धुरंधर हैं वो दोनों लोग कंप्यूटर को अनदेखा ना करें बहुत जरूर इससे क्वेश्चंस आते हैं एक ट्रेंड बना हुआ है आप यूं समझ लीजिए कि अभी भी आठ से दस क्वेश्चन और ग्यारह बारह क्वेश्चन तक इसके जा सकते हैं इस साल भी कंप्यूटर से और कम समय में आपको मौका मिलेगा इसलिए ठीक है तो कंप्यूटर को भी आप हायर उस पर लिखें प्रायोरिटी पर लेके रखें ओके प्रिया हाँ मकसूद आपकी कई स्लाइड निकल गई है लेकिन मैं रिपीट करूंगा गौर करें आप अगर आप इस बार प्री देने जा रहे हैं तो ठीक है तो कंप्यूटर को तो आप बहुत गौर करें हाय हाँ, कंप्यूटर का ध्यान रखें कंप्यूटर के सारे टॉपिक्स को करने की कोशिश करें देखिए कंप्यूटर एकमात्र ऐसी जगह है जहां मेरा कोई लेना देना नहीं है तो कंप्यूटर में बिल्कुल पढ़ाने के तौर पर नहीं जानता वैसे तो थोड़ा जानता हूं कंप्यूटर आप लोग करें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कंप्यूटर के लगा दें तो उससे प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी आने की हाय मोहित चलिए अब बात करते हैं इस समय जो सब लोगों के दिमाग में है सब लोग पहले से तैयारी करते करके रखे हुए हैं आप देखिए अगर 2015 में एमपीजीएस की बात करें मध्य प्रदेश की तो अः नंदिनी क्या देखते हैं हम 2015 में 12 क्वेश्चन आए हैं केवल 2016 में 8 क्वेश्चन आए हैं दो में 7 क्वेश्चन आए हैं लेकिन 2018 में तो कमाल कर दिया बीस क्वेश्चन पूछे गए हैं आप जानते हैं कि पिछले पेपर ने एमपीजीएस ने और एक्ट ने दोनों ने मिलकर कमाल कर दिया था और बहुत सारे पुराने खिलाड़ी जो थे उनके चेहरे मायूस हो गए थे और बहुत सारे नए प्लेयर जो आए थे वो सब प्री निकाल के बैठ गए और ये महसूस भी आ लोगों को क्योंकि ये थोड़ा जो रूटीन चल रहा था एग्जामिनेशन का उससे थोड़ा सा हटके था कि अगर सात आठ दस क्वेश्चन आ रहे हैं अचानक बीस आ जाएं और जो एक्ट के क्वेश्चन आठ दस बारह आ रहे हैं वो भी अचानक बीस पच्चीस आ जाए तो एकदम 50 पेपर ही इन्होंने एक्ट और एमपी की दम पे लोगों का निकला तो जिनके प्रीवियसली एक्ट बहुत अच्छे थे और मैं तो कहता हूं एक्ट पे आप आने वाले हैं जरूर करें बहुत दो दिन का दो दिन में आप उसको ठीक कर सकते हो और क्वेश्चन बहुत ज्यादा है तो एक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखें और एमपी जीएस को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखें ओके दोनों आपके लिए जरूरी है परीक्षा मंथन से अभी आप लोग आपको परीक्षा मंथन की किताब लेनी है बहुत अच्छी किताब है परीक्षा मंथन से आपको इसमें हेल्प मिल जाएगी ओके आ, कहां गए एमपीजीएस हाँ, की हमारी बात चल रही थी एमपीजीएस आप अपने जहां भी पढ़ते हैं वहां से लेक्चर लें यहां से भी आपको लाइव लेक्चर मिलेंगे इसके अलावा एमपीजीएस में मैग्रा हिल की या कॉस्मोस पब्लिकेशंस की जो बुक है दोनों आपकी वर्णवाल की जो है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं ओके okay. ियस जो मैंने अभी आपको बताया है उसमें आप लूसेंट का भी बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं और स्पीडी आती है रेलवे एग्जाम की स्पीडी उसका भी आप में इस्तेमाल कर सकते हैं वन लाइनर इसमें काफी अच्छे होते हैं ओके okay? तो वो सारा आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स खेलकूद कंप्यूटर मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश से ट्रेड जो चला आ रहा है इस ट्रेंड के मुताबिक काफी सारे क्वेश्चंस आने की संभावना है तो मध्य प्रदेश मैंने इसको स्टार बना दूं पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट की सीरीज में आप रखेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे ओके okay? एमपी के लिए मैंने बताया ना आपको वर्णबाल कर सकते हैं आप कॉस्मोस पब्लिकेशन मैग्रा हिल वाली है दोनों बुक्स वैसे कोई भी एक प्रेफर करें लेकिन ओल्ड पब्लिकेशन को प्रेफर करें नई जो पब्लिकेशन की बुक्स हैं उनको आप थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें ठीक है ना तो इन दोनों को आप आगे चलते हैं हम अब बात करते हैं हम हिस्ट्री की देखिए दो तीन चीजें आपको देखनी पड़ेंगी हिस्ट्री में अगर आप देखें तो आपने यूपीएससी में तो देखा होगा कि मिडीवियल से तो टच भी नहीं करते वो मॉडर्न पे ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं एंशियंट पे ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं आपको भी जो स्ट्रेस रखना है वो सबसे ज्यादा ये जो फ्रीडम मूवमेंट्स हैं उनको मॉडर्न को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि आप एक एवरेज देख लीजिए दो में ग्यारह दो में सात क्वेश्चन थे फिर दो में बारह क्वेश्चन आए और दो में फिर नौ क्वेश्चन आए इसका मतलब दो में अब उसको कर दिया गया 2020 लेकिन 19 में ही ऐसी संभावना लगती है कि वही एवरेज रहेगा 10 से 11 12 क्वेश्चन तक का एक एवरेज आ सकता है हिस्ट्री का लेकिन मैंने जैसा बताया प्री क्रैक करना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे हाय दिवाकर रवि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए वेलकम तनु हमें वो पढ़ना है अब कम से कम समय में

आपकी कोचिंग के जिस भी कोचिंग में आप पढ़ते हो या सेल्फ स्टडी करते हो उनके नोट्स काफी हैं अधिनियम के लिए बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं आपके पास जो भी है वेलकम सौरभ आपके पास जो भी है अवेलेबल तो आप उनसे किसी भी कोचिंग संस्थान के नोट से भी आप पढ़ सकते हो एक्ट में मटेरियल की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है उसमें लगभग लगभग कवर होता है सब कुछ लेकिन हाँ मैं इसको स्टार दे रहा हूं देखिए अलग से स्टार है अच्छा वाला स्टार है इसमें यानी कि एक्ट आप लोगों के लिए फ्यूल का काम करेगा जिनको सिलेक्शन लेना है देखिए एक्ट आप बैठ के भी अगर करें थैंक यू सौरभ लव यू टू अगर आप एक्ट को करें बहुत ज्यादा डीप जाएंगे भी तो भी आप क्या करेंगे उसके आपको सुप्रीम कोर्ट में केस तो लड़ने निकलना नहीं है क्या करना है आपको सारी जो जानकारी है मूल जानकारी आप खुद से ये पूछे पढ़ते वक्त कि मुझसे क्या पूछा जा सकता है ठीक है ना उस लहजे में आप चीजों को पढ़ सकते हैं आपको दो दिन से ज्यादा खर्च नहीं करने हैं एक्ट पर लेकिन एक्ट का एक रिवीजन जरूर कर लेना जाने से पहले ओके क्योंकि थोड़ी सी उसमें डेट्स वगैरह और वो सारी चीजें रहती हैं नंबर वगैरह तो वो आपको याद रखने पड़ेंगे ओके लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज में है यानी एक्ट आपको स्ट्रॉन्ग करके रखना है देखिए ये जो सारी बातें चल रही ये प्रोडिक्शन है ठीक है ना एक्ट के लिए स्पेसिफिक बुक तो नहीं है लॉ हाउस की जो बुक्स रहती है उनको कर सकते हैं या फिर नोट्स किसी भी कोचिंग सेंटर के एक रेपेड कोचिंग सेंटर हो उसके आप नोट्स ले सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं ओके ऑनलाइन एक्ट की क्लास अब इस पे मैं आपको बोल नहीं सकता हूं लेकिन ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे अच्छे टीचर्स जो होंगे तो वो आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन ओके वेलकम कपिल तो हम एक्ट की बात कर रहे थे तो ये जो मैंने आपको बताया कि एक्ट जो है एक्ट भी आपको स्ट्रांगली करने हैं ओके okay? बैर एक्ट भी आप ले सकते हैं ठीक है यार जब सही बात बोल रहे हैं आप चलिए आगे बात करते हैं अब हम एक्ट के बाद एनवायरमेंट की बात करते हैं एन्वायरमेंट जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो सिर्फ घूमें और एनवायरमेंट को देखें पर्यावरण हमारा कैसा है ठीक है क्योंकि आप ये देख रहे हैं जब देवेंद तो दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन दो क्वेश्चन बड़ा एक कम क्वेश्चन पर्यावरण से पूछे जा रहे हैं तो एवरेज से, से तैयार नहीं है स्ट्रांग तो नहीं है तो आप परेशान ना हो इसको स्किप कर सकते हैं छोड़ सकते हैं लेकिन आपने पढ़ रखा है तो ईश्वर से दुआ करें कि उसी पढ़े हुए में से आपको क्वेश्चन मिल जाए ओके विशाल कोई समस्या यही समस्या है ना शायद आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं अरे भाई कहना क्या चाहते हो अब करना क्या है ये बताओगे सब लोग सोच रहे हैं ये तो आपने बता दिया सर कि किस सेगमेंट से क्या क्वेश्चन आए हैं अब करना क्या है हमको आप तो ये बताओ क्योंकि टाइम है नहीं हमारे पास और हमें जल्दी जल्दी कोशिश करनी है कि सारे सब्जेक्ट हमारे रिवाइज हो जाएं और हम कैसे मैक्सिमम नंबर को गेन कर सकें ठीक है मैं फिर से एक रिपीट कर रहा हूं बिल्कुल फास्ट एक एवरेज दिखाता हूं आपको वही अब आप बताता हूं मैं आपको कि आपको करना क्या है ठीक है चलिए फर्स्ट स्लाइड से आते हैं हम लोग देखिए ये सिलेबस था आपका सामान्य अध्ययन का और सी सेट का ये तो आप सभी जानते हैं क्योंकि पेपर देने जा रहे हैं भूगोल में जैसे मैंने बताया ये एक एवरेज बताया 2015 में 20 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन फिर 17 में 11 क्वेश्चन 18 में 9 क्वेश्चन आए केवल यानी कि ये घटता हुआ ट्रेंड है ज्योग्राफी से जो एवरेज क्वेश्चन आने की संभावना है वो आठ से नौ क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी उसमें से भी आप वर्ल्ड को और एमपी को एमपी का भूगोल और वर्ल्ड के भूगोल को स्ट्रेस पर ले इसको ज्यादा अच्छे से तैयार करें ओके एक्सेप्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसे बता दूंगा मकसूद भाई अभी तो एग्जाम हुआ नहीं है पेपर देख के एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया जाएगा जब आप मेरे पास लेके आएंगे पेपर देने के बाद तब मैं एक एवरेज करूंगा अपने बाकी के एक्सपर्ट से चर्चा करूंगा सभी से फिर जाके एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकलेगा ये पेपर देखने के बाद डिसाइड होता है ओके मेरे भाई चलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप देखें तो बड़ा उल्टा पुलटा एक ट्रेंड चला आ रहा है पांच आठ दस तीन लेकिन मैंने जैसा बताया कि करंट अफेयर के थ्रू भी उसमें हिडन रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अप्लाइड साइंस जो भी है जनरल साइंस के अलावा उसके क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे तो इसको भी आप हल्के में ना लें करके रखें करंट अफेयर्स स्टार बना हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है कम से कम दो साल के करंट अफेयर आप अच्छे से तैयार करके रखें ठीक है ना हमने कोशिश की है हम आगे लेक्चर बनाने वाले हैं एक से लेके बारह मंथ पिछले एक लेक्चर में एक मंथ का करंट अफेयर कवर करने की कोशिश करेंगे और स्पोर्ट्स के लिए हम अलग से एक क्लास देंगे लाइव क्लास रहेगी वो ओके तो करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन आने की संभावना इस ट्रेंड को आप बिल्कुल भूल जाएं हो सकता है कि पंद्रह से बीस क्वेश्चन तक चले जाए करंट अफेयर्स के तो वो तैयार रखना है आपको बहुत सारी बुक्स आ रही है करंट अफेयर्स के लिए और करेंट uh, अफेयर्स का एक न्यूज़पेपर uh, पेपर भी निकलता है तक्षशिला पब्लिकेशन से आप उसका इस्तेमाल करें बहुत अच्छा है और कौटिल्य भारत मैगजीन जो मैंने आपको बताई बहुत अच्छी मैगजीन है सब्जेक्ट वाइज भी वो चीजों को कवर कर रही है और करंट uh, अपडेशन तो बहुत ही जबरदस्त है वो आपको मेंस में भी हेल्प कर देगी करंट अफेयर के बाद Quality, राज व्यवस्था की बात कर रहा हूं जो ट्रेंड आपने देखा था और दस आठ नौ दस यानी आठ से दस क्वेश्चन का ट्रेंड बना आ रहा है ये मैंने बोले थे जिस पे आपको स्ट्रेस देना है ये सारे टॉपिक संविधान का निर्माण फंडामेंटल राइट्स नीति निर्देशक तत्व आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो जो नए नए हुए हैं उनको भी याद रखें और पुराने की भी याद रखें ये आपका जल्दी कवर हो सकता है इसलिए पॉलिटी को आप तैयार कर सकते हैं इकोनॉमी को आप देखते हैं जैसा मैंने बताया जिन लोगों की स्ट्रॉग है बहुत खुशी की बात है उनके जो छह से सात से लेके आठ क्वेश्चन तक जिनके आने की संभावना है उन लोगों की बिल्कुल सही होंगे लेकिन इकोनॉमी में भी अब जो रिफॉर्म्स हैं करंट अपडेशन है, है उससे आप इकोनॉमी को तैयार करके जाना फाइव ईयर प्लान स्ट्रांगली देखना है हमको मोदी गवर्नमेंट के प्लान जो है और प्लानिंग कमीशन नीति आपकी जो भी जानकारी है वो आप करके अच्छे से जाए तो अर्थशास्त्र में आपकी बढ़िया मार्क्स आने की संभावना है लेकिन जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है अगर आपका पहले से इकोनॉमी ठीक नहीं है और आपका कमजोर है तो अभी आप स्किप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि हमें वही पढ़ना इन पैंतालीस दिनों में जो हम कर सकते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट है और जो आएगा भी ज्यादा हेलो अमित चलिए अब मिसलेनियस विविध इसका कोई सब्जेक्ट तो बोला नहीं जा सकता विविध जैसा मैंने बताया कि आप स्पीडी से पढ़ सकते हैं जो वन लाइनर फैक्ट की बुक्स आती हैं रेलवे की जो आती है बुक उससे तैयार कर सकते हैं ल्यूसेंट से भी आप तैयार कर सकते हैं विविध हर सब्जेक्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इनके आने की बहुत बहुत संभावना रहती है ये स्टार बना हुआ है इस इस स्ट्रेस दे रखें तैयारी रखें इसकी पूरी खेलकूद की बात की थी बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है आठ से दस क्वेश्चन खेलकूद से आ सकते हैं आप पूरा दो साल तक का स्पोर्ट उस पर भी ध्यान दें रिसेंट का तो याद रखें ही रहे वेलकम मोहित आँ... तो स्पोर्ट्स का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें टर्मोलॉजी का भी कुछ क्वेश्चन आपसे स्पोर्ट्स में पूछे जा सकते हैं कोशिश होगी हमारी कि हम एक ऑनलाइन लाइव क्लास पूरी स्पोर्ट्स के लिए समर्पित कर दें ओके वेलकम पूजा फिर हमने बात कर रहे थे हम कंप्यूटर की वाह कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है जल्दी कवर हो जाएगा परीक्षा मंथन से आप कवर कर सकते हैं इसको कंप्यूटर को और जरूर आपको करना है प्री के लिए इसको फर्स्ट ग्रेड में भी रखना है कंप्यूटर जितना आप एक्ट एम पी अफेयर्स पर गौर करने वाले हैं उतना ही आप कंप्यूटर पर गौर करेंगे ओके आगे चलते हैं अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आप इसको रख सकते हैं ओके थैंक यू अमित और एम पी को आप बढ़िया तरीके से तैयार करें आपके कोचिंग के जो भी नोट्स हों टीचर की हेल्प लें आप और वर्णबाल बाल को आप पढ़ सकते हैं कॉस्मोस पब्लिकेशन की और आप ये क्या कहते हैं एक और एम की टाटा मैग्रा हिल की जो आती है टीएमएच की उससे भी आप इसको तैयार कर सकते हैं लेकिन जैसा मैंने बोला नए पब्लिकेशन को पकड़ने से बचें और पुराने जो ओल्ड पब्लिकेशन है उन पर थोड़ा गौर करें क्योंकि उनका अनुभव अच्छा है इतिहास की बात करेंगे हम जैसा मैंने बताया पूरा ध्यान आप मॉडर्न पर लगाएं फ्रीडम मूवमेंट्स को तैयार करें और उसके बाद आप एंशियंट वैदिक कल्चर वगैरह हड़प्पा ये सारे क्वेश्चन आप देखने की कोशिश करें एंशियंट सेगमेंट के जो मुगल्स हैं मुगल्स को टाटा बाय बाय कुछ समय के लिए अगर आपने नहीं पढ़ा है अगर आप पहले से पढ़े हुए चलेगा कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर किसी की तैयारी नहीं है तो वो सिर्फ मॉडर्न और एंशियंट की तरफ ध्यान दे सबसे ज्यादा सेवेंटी परसेंट संभावना होगी मॉडर्न से क्वेश्चन आने की बीस से परसेंट संभावना होगी एंशियंट से और दस परसेंट संभावना होगी ठीक है ना स्पोर्ट्स मैंने बताया प्रतियोगिता दर्पण का विशेषांक कर सकते हैं आप कॉटेल भारत बहुत अच्छी मैगजीन आती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है ना स्पोर्ट्स के लिए आप ये दो चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप एक एक स्पोर्ट्स की क्लास ऑनलाइन हम देंगे आपको इधर लाइव क्लासेस में और कवर करने की कोशिश करेंगे उसमें।, उसमें ओके नितिन एक्ट को भी आप अच्छे से तैयार करना है वेलकम

और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई इजी क्वेश्चन आया तो वो ठीक हो जाएगा वैसे अगर नहीं है तैयार तो बिल्कुल टेंशन ना लें इसको आगे बढ़ जाए इससे ठीक है हम वापस आखिर आ ही गए उसी बात पर जब मैं आपको लगातार क्वेश्चन बता रहा हूं आपके मन में लगी रहा होगा कि अरे भाई कहना क्या चाहते हो काम की बात बताओ कि आप करना क्या है मैं अभी तक काम की बात ही आपको बता रहा था कि सारे सिलेबस में से हमें कहां कहां जाना है ओके चलिए तो अब अपन देखते हैं कि हमें क्या बताना है एक्शन प्लान की बात करते हैं सब लोग अपनी कमर सीधी कर लें कि एक्शन प्लान क्या है है ठीक ओके वेलकम नितिन तो एक्शन प्लान में अब क्या करना थोड़ा गौर से मेरी बात को समझने की कोशिश की गई जितने लोग भी बैठे हुए हैं पूरा ध्यान दें इस बात पर मैं एक टाइम टेबल आपसे बनाने की बोलता हूं कुछ इस तरह का एक चार्ट बनाए आप उसमें एक जगह लिखें डेट यानी कि कल तारीख है अठारह ओके okay? और जो नंबरिंग मैंने इसमें देने की कोशिश की है उस नंबरिंग में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है बता दूं पहले नंबर पे आपने रखा है एक्ट को दूसरे नंबर पे रखा है एमपी को तीसरे नंबर पे रखा है करंट अफेयर्स को चौथे नंबर पे रखा है आपने मिसलेनियस को पांचवे नंबर पे रखा है कंप्यूटर को अभी छठवा नंबर हिस्ट्री का नहीं है छठवे पर रखना है हमको स्पोर्ट्स को जो छूट गया है स्पोर्ट्स अनुज बड़ी गौर से बात करो आप आ, बड़ी गौर से आप एक एक चीज देखना क्योंकि अब यह एक्शन प्लान बड़े काम का है जो आपको 45 डेज में करना है डेट अगर यहां लिखी हुई है ओके सुरेंद्र अगर डेट आपने एक जगह लिखी है तो चैप्टर्स को इस तरह से सब्जेक्ट्स को इस तरह से सामने लिखते हैं पहले ठीक है पहले नंबर पे एक्ट दूसरे नंबर पे एमपी तीसरे नंबर पे करंट अफेयर्स चौथे नंबर पे मिसलेनियस पांचवें नंबर पे कंप्यूटर छठवें नंबर पे आप स्पोर्ट्स को रखें प्रतियोगिता दर्पण प्रतियोगिता निर्देशिका के जो विशेषांग आते हैं उन विशेषांग पर आप तैयारी कर सकते हैं फिर आप रखेंगे छठवें सातवें नंबर पे आप रखेंगे हिस्ट्री को आठवें नंबर पे पॉलिटी को रखेंगे नब्बे नंबर पे ज्योग्राफी को रखेंगे और दसवें नंबर पे इकोनॉमी को रखेंगे इसमें साइंस एंड टेक मैंने गायब किया है बीच में से साइंस एंड टेक की जो जगह आ रही है जो एनालिसिस के मुताबिक वो हिस्ट्री और पॉलिटी के लगभग बीच में आ रही है ओके तो आप बीच में सात और आठ के बीच में साढ़े सात आप नंबर दे सकते हैं साइंस एंड टेक को तो ये साइंस भी आप तैयार करके रखें थैंक यू ये चार्ट आप बना सकते हैं अपने घर पर इस तरह से एक चार्ट आप बना ले पहले अब तारीख को सुबह से शुरू करें कि सुबह छह बजे आप उठे हैं छह बजे से लेकर रात को बारह बजे तक का जो शेड्यूल है मतलब लगातार नहीं पढ़ना है आराम भी करना है इस शेड्यूल में आप क्या बनाएंगे एक टाइम टेबल देखने की कोशिश कीजिएगा जो लोग नए हैं जिनको इसी साल प्री देना थोड़ा उनको लगता है कि मेरी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी साइंस वगैरह कमजोर है उन लोगों को बता रहा हूं मैं देखिए विशाल अगर आर्स की आप मुझसे पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर इस तरह से दूंगा इसको पूछने की बजाय नंबर ऑफ आर्स पूछने की बजाय आप मुझसे यह कहते कि सर कैसे पढ़ें कैसे पढ़ें ना कि कितने घंटे पढ़ें कई बार ऐसा होता है कि आप लेके बैठ गए बुक को नोट्स को और आपने चार घंटे पढ़ लिया पता पड़ा आपने चार पेज उसमें खत्म किए मैं आपसे कह रहा हूं कैसे पढ़े बहुत अच्छी मेहनत से किए गए छह घंटे रोज की पढ़ाई भी आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकती है बसरते वो छह घंटे ऐसे हों जिस जिसपे पूरे मिनटों में एक एक सेकंड का आपने बिल्कुल गंभीरता से उपयोग किया है ओके कैसे पढ़ने के लिए ही मैं उत्तर दे रहा हूं जब हम बैठते हैं पढ़ने बैठते हैं उस समय एक दो बातों का कौन कौन सा याद रखना एक है स्पीड अब आपको अपनी पढ़ने की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी हाई स्पीड में आप पढ़िए आपका ब्रेन और शार्प होगा और जल्दी सीखेगा यह बिल्कुल अपोजिट बात है लोग ये सोचते हैं अरे सर हाई स्पीड से पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा और ऐसा वैसा ही और नहीं, नहीं। जो लोग भी पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट को वो अपनी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ाकर पढ़े तेजी से पढ़े जल्दी पढ़ें आपका दिमाग को कम वक्त मिलेगा वो जल्दी से उसे याद करने की कोशिश करेगा समझ रहे हैं आप बात को वो बेस्ट परफॉर्मर बनेगा अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे अपनी पढ़ने की और आपका ध्यान दूसरी जगहों पर नहीं भटकेगा इससे आपको फायदा यह होगा कि कम समय में कम आर्ट्स में भी आप ज्यादा पढ़ सकेंगे ठीक है अब मैं आपको एक्शन प्लान बता रहा हूं गौर से सुनिएगा मेरी बात को सब्जेक्ट को आगे रखने का मतलब यही है कि अगर आप पे टाइम नहीं बच पा रहा है तो इन सब्जेक्ट के लिए पीछे का समय बाद का छोड़ दें समझ रहे हैं आप बात को क्रम में जो दे रहा हूं इसी क्रम में आप तैयारी रखें अपनी अब यहां पे लिखा है टी प्लस ओटी टी प्लस ओटी का मतलब यह है टी का मतलब है थ्योरी और ओटी का मतलब है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ध्यान से समझिएगा बात को ठीक है थ्योरी और ऑब्जेक्टिव अब आप आर्स देना शुरू करें आप बोलते हैं एक्ट जैसे ही एक्ट आपने दो तीन में खत्म किया आप अब आप, आपकी मर्जी है कितने घंटे आप देना चाहते हैं एक घंटा रोज पढ़ना है या 2 घंटे ज्यादा ज्यादा टाइम आपको देना है ओके बिल्कुल गगन आप सही बोल रहे हैं तो थ्योरी पढ़नी है प्लस ऑब्जेक्टिव लगाने कोशिश करें कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके कम से कम हंड्रेड लगाए ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्ट के खत्म कर दें किसी भी बुक को या फिर कम से कम अगर हंड्रेड नहीं लगा पा रहे हैं आप तो कम से कम पचास ऑब्जेक्टिव पर डे लगाएं ध्यान से सुने मेरी बात को क्या बोल रहा हूं मैं ये आप नहीं छोड़ने इसको नहीं छोड़ेंगे आप एक हंड्रेड ऑब्जेक्टिव पर डे या फिर पचास ऑब्जेक्टिव पर डे ठीक है थ्योरी प्लस ओटी, कोशिश करें फास्ट आप थ्योरी को पढ़ जाए और कम से कम सौ से पचास ऑब्जेक्टिव लगाए दोनों का मैं एवरेज निकाल के आपको बताने की कोशिश करता हूं अगर आप हंड्रेड ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्ट के लगाते हैं और आपने एक दिन में एक दो तीन चार पांच सब्जेक्ट भी कवर किए मान लीजिए ओके फिलहाल हम इन पांच की बात करते हैं तो पांच यानी कि फाइव हंड्रेड होगा ये और फाइव फाइव हंड्रेड ऑब्जेक्टिव आपने थर्टी डेज तक लगाए डिफरेंट सब्जेक्ट के ये खत्म हो जाएंगे तो दूसरे चालू हो जाएंगे कितना निकला एक एवरेज बताइए फिफ्टीन थाउजेंड ऑब्जेक्टिव आप लगा चुके होंगे विद इन थर्टी डेज

नमस्कार तो आपके 15,000 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे तैयार और पेपर आना है 100 ऑब्जेक्टिव्स का 200 क्वेश्चंस का 15,000 में से 100 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितने परसेंट होगी आप समझ सकते हैं ओके तो इतने आसान से प्लान से आप क्या कर सकते हैं अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं कुछ मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों के क्या आपको लगता है ये प्लान सटीक नहीं है अठारह तारीख को आपने फाइव हंड्रेड ऑब्जेक्टिव लगाए उन्नीस को लगाए बीस को लगाए इक्कीस को लगाए आपका नियम तय होता चला जा रहा है बाईस को आपने अपने ऑब्जेक्टिव लगाए तेईस को लगाए आपने देखा कि उन्नीस से लेकर इक्कीस तक आते आते आपका एक्ट पूरा अच्छे से तैयार हो गया ऑब्जेक्टिव भी लग गए हैं आप एक्ट को यहाँ से हटा दीजिए पीछे वाले सब्जेक्ट को उठा के आगे ले आइए आप हिस्ट्री लगाना शुरू कर सकते हैं इसमें जोड़ सकते हैं जैसे आप देखते हैं सात दस दिन में आपकी हिस्ट्री खत्म होती है आप फिर पॉलिटी को उठा के लेके आ सकते हैं आगे साइंस को उठा के लेके आ सकते हैं लेकिन प्लान जो मैं आपको बता रहा हूं उसी तरह से आप चीजों को कवर करेंगे ओके तो आप क्या मेरी बात से सहमत हो रहे हैं जैसा मैं बताना चाह रहा हूं आपसे प्लीज अगर जिंदा हैं आप तो जिंदा रहने का सबूत दीजिए और मुझे बताते रहिए कि आप मेरी बात को गौर से सुन रहे हैं थैंक यू सो मच वेरी गुड चलिए तो ये कुछ मेरी बात समझ में आया अभी मैंने आपको जो टाइम टेबल दिया तो थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव का एक शेड्यूल डेली का आपका होना चाहिए ओके रेन चलिए अनामिका शेड्यूल को आप लोग कोशिश करें घर पे बनाने की मैंने जो बताया आपको क्रम इसका ना तोड़े और घर पे एक एक्शन एक एक प्लान बनाए ओके चलिए अब मजे की बात आने वाली है अब वो लोग पुराने लोग गुस्सा मत होना और नए लोग दिमाग लगा लेना मैं आपको एक ऐसा प्लान भी बता सकता हूं जिसपे मैं खुद कहूंगा आपको कि कैसे भी करके आप पेपर देने जाइए चलिए अपमन एक एवरेज निकाल के देखते हैं ठीक है एक गेम खेलते हैं गेम रिजल्ट प्लान चलो हमारा रिजल्ट कैसा आएगा रिजल्ट देखते हैं ठीक है अब ये तो सब लोगों का इंटरेस्ट होगा इसमें रिजल्ट देखने में ओके अब मैं देख नहीं पाया कमेंट क्या था ये बड़ा था लंबा चौड़ा था हाँ इस पर भी मैं चर्चा करूंगा चलिए आप सब लोग जरा एक बात को सुनिएगा इसको रिजल्ट प्लान अपन बाद में करेंगे कुछ लोगों का ये कहना है अरे सर इतने सारे सब्जेक्ट हैं इतना कम टाइम है क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे इस करने में वो कुछ भी नहीं कर पाते पहली बात तो मैं आपको बता दूं एग्जाम सिर्फ आपका नहीं हो रहा है पूरी मध्य प्रदेश का हो रहा है मध्य प्रदेश के बाहर के भी लोग एग्जाम देने आ रहे हैं सिर्फ आपका तो एग्जाम हो नहीं रहा है जो आपकी हार्ट बीट बड़ी चली जा रही है जो नियम है जो डेट आई है सबके लिए है जितने डे मिले हैं वो सबके लिए मिले हैं अब हड़बड़ी में आप क्या करेंगे तो ये भी कर लूं वो भी कर लूं ये भी पकड़ लूं वो भी पकड़ लूं और जो कुछ आता है वो भी आप डबाडोल करने वाले हैं ऐसा करने से ज्यादा अच्छा है अपने माइंड को शांत करें गहरी सांस लें जिससे आपके ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए लेकिन सांसें आप रामदेव बाबा के उठने से पहले ले लें क्योंकि रामदेव बाबा सुबह सुबह ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं कूल माइंड से बैठें थोड़ा घबराएं नहीं डरे नहीं आपने जो पढ़ा है पूरी साल या पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप एक दिन में भूल जाएं उसको घबराएं बिल्कुल नहीं एग्जाम सबका है सिर्फ आपका नहीं है अपने आप से ये बोलें कि अपने आप इसीलिए बोल रहा हूं मैं मोहन बहुत इस बात को आप सबसे ज्यादा गौर से सुने जो लोग भी घबरा रहे हैं उन लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूं बहुत गौर से मेरी बात को सुने घबराने से आपको कोई सर्टिफिकेट मिलने वाला है भगवान आने वाले हैं कि बेटा तू घबरा रहा है ला मैं पेपर तेरा मैं देने चला जाता हूं ऐसा तो कुछ होने वाले नहीं पेपर तो आपको दे नहीं देना है। जब एग्जाम आपको ही देना है आपने साल भर से पढ़ा है साल भर आपने क्या किया था बहुत कम भी आपने पढ़ा होगा <laughs> अमन बहुत कम भी आपने अगर पढ़ा था तब भी आपने साल भर कुछ तो पढ़ा था तो इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है जो होगा अच्छा ही होगा ठीक है डर भी इस रिजल्ट प्लान से अभी आपका डर खत्म हो जाएगा मैं आपके क्वेश्चन गलत करावाऊंगा मैं खुद करवाऊंगा कि लोग करो गलत ठीक है तब भी आपके मार्क्स देखना तो क्या है पहले हड़बड़ाना बंद करें घबराना बंद करें डरना बंद करें बिल्कुल रिलैक्स हो जाए सालों से पढ़ रहे हैं आप जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी आठ छह महीने बारह महीने से पढ़ रहे हैं इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है पहली बात जितना शांत मन से आप लिखेंगे एक एग्जाम्पल देता हूं उससे आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी अच्छा एक बात बताइए ओलंपिक होता है ओलंपिक में जो खिलाड़ी होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं मालूम है कोच उनसे क्या बोलता है क्या आप सोचते हो आप कह रहे हैं सर एंड टाइम पे मैं क्या पढ़ के जाऊं अगले दिन जब पीएससी का पेपर होगा तो रात भर में क्या पड़ू? अच्छा ओलंपिक जब होता है तो खिलाड़ी रात भर दौड़ के प्रैक्टिस करते हैं क्या कि सुबह मुझे दौड़ना इसलिए रात भर दौड़ूंगा आज मैं और सुबह मुझे जीतना है क्या ऐसा खिलाड़ी कभी जीत पाएगा आंसर कीजिए आप मुझे कल आज का स्टेज पर कल आपका स्टेज पर परफॉर्मेंस आप पूरी रात नाचेंगे क्या स्टेज पर प्रैक्टिस करने के लिए बताइए हां ये अशोक आपने जो बात कही मैं आपको बता दू उल्टा चलता है पचास परसेंट ट्रेडिशनल सब्जेक्ट मान के चलिए आप फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन आएंगे आपके मूल सब्जेक्ट जो है ज्योग्रफी पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमी ये और साइंस पचास परसेंट और पचास परसेंट उन शुरू के पांच सब्जेक्ट से आएंगे जो मैंने बताया है आपको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं आप समझ लीजिए एक्ट एम पी करेंट मिस्िलेनियस कंप्यूटर और स्पोर्ट्स इन सबसे पचास से साठ आ जाएगा तो इस समय जो लोग सोच रहे हैं कि मैं हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी को बहुत अच्छा करने में लग जाऊं तो वो गलत स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं ये सब आपने पहले ही पढ़ रखा है पूरी साल से आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से अब आपको जो पूरी ताकत लगानी वो इस क्षेत्र में लगानी है ओके मैं आपको बताता हूं सबके सिलेक्शन होंगे सबके सिलेक्शन होंगे बोल रहा हूं आपको बस आप घबराए ना तो एक ऐसा खिलाड़ी ना बने कि सुबह मैच है और पूरी रात खेल रहे हैं हम और रात भर घबरा रहे हैं अरे सुबह मैच है सुबह मैच है मैं मैं क्या करूं मैं सुबह मैच में है मैं क्या करूं ऐसा मत करना ठीक है ना हाँ रोजगार निर्माण भी देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं बढ़िया चीज है वो भी तो मैं बात कर रहा था मैं आंसर कर रहा था नमन और कोई और था दो लोग जिनके क्वेश्चन थे कि घबराहट होती है सर इतना कम समय देखिए कम समय सबके लिए है जो व्यक्ति इस समय कूल माइंड से एक स्ट्रेटेजी बनाएगा और टाइम टेबल को फॉलो करते हुए पढ़ेगा उसका आसानी से सिलेक्शन होगा बजाय दूसरे लोगों के इसलिए पहले घबराना बंद करें पूरी तरह से अपने माइंड को रिलैक्स करें आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं आप साल भर पढ़ते हुए आ रहे हैं सब कुछ हमारे साथ अच्छा होगा इस मेंटिलिटी के साथ में अगर आप उतरेंगे तो ज्यादा संभावना रहेगी नमस्कार शुभम क्या आप मेरी बातचीत से सहमत है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं चलिए आगे भी हम इस पर बात कर लेंगे है हमारे पास टाइम चलिए अब हम रिजल्ट बनाते हैं यह सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन है देखिए कोशिश करते हैं अब हम सब पेपर देने जाते हैं प्री का चलिए हम सब लोग पेपर पेपर देने जाते हैं कोशिश करेंगे आप ठीक है अमन अब देखिए एक्ट के क्वेश्चन मान लीजिए एक वैसे ही सम, समरी बनाने की कोशिश की है जैसे अपन ने क्रम बनाया था एक्ट से मान लो पंद्रह क्वेश्चन आते हैं एक्ट से आए पंद्रह क्वेश्चन बहुत अच्छी पढ़ाई जिन लोगों ने कर रखी है उनसे गलती करवाते हैं आप जिनको लगता है कि मेरी बहुत अच्छी तैयारी है चलिए पंद्रह क्वेश्चन में से तीन क्वेश्चन गलत करने की आपको मैं इजाजत देता हूं कर दीजिए तीन क्वेश्चन गलत आपके नंबर मिले आपके बारह क्वेश्चन सही हुए एक्ट में एमपी में पंद्रह क्वेश्चन आए और आपने तीन गलत इसमें भी कर दिए चलो कोई गलती है माफ करिए आपकी बारह क्वेश्चन आपको मिले करंट अफेयर के पंद्रह क्वेश्चन आए आपने इसमें भी तीन क्वेश्चन गलत कर दिए बहुत अच्छी तैयारी है उन लोगों की बात कर रहा हूं मैं बारह नंबर आपको इसमें मिल गए बारह क्वेश्चन सही हो गए मिस सेलेनियस के दस क्वेश्चन आए ज्यादा आएंगे आपका एक क्वेश्चन आपने इसमें गलत कर दिया कंप्यूटर के दस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इसमें भी गलत कर दीजिए आप साइंस में से भी एक क्वेश्चन गलत कीजिए आप हिस्ट्री में से भी आप एक से दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन तक गलत कर दीजिए कोई बात नहीं पॉलिटी में भी दो क्वेश्चन तक गलत कर दीजिए आप ज्योग्राफी में भी आप दो क्वेश्चन गलत कर दीजिए इकोनॉमी में भी आप एक से दो क्वेश्चन गलत कर दीजिए तब भी टोटल मार्क्स आपके कितने आ रहे हैं जरा जोड़ के देख लीजिएगा 83 ये अच्छे पढ़ने वाले जिसकी तैयारी अच्छी है और वो भी अगर कितने क्वेश्चन गलत कर चुका है ये देखिए नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस बीस क्वेश्चन के एक एवरेज से अगर आप गलती करते हैं समझ रहे हैं आप बात को सत्रह से लेके बीस क्वेश्चन भी आपके गलत होते हैं तो लगभग अस्सी परसेंट पे आप होंगे अब डरने की क्या बात है इसमें जिन लोगों की तैयारी पहले से है क्यों इतना डर रहे हैं आप मैंने तो इतने सारे क्वेश्चन आपसे बोला कि कर दो गलत कोई डर नहीं तो अस्सी परसेंट बनी आपकी पास हो गए अनुज वेरी गुड मैं यही चाहता हूं इससे भी ऊपर आए आप सब लोगों के तो ये उन बच्चों को जो पुराने बच्चे तैयारी करते चले आ रहे हैं जो घबरा रहे हैं डर रहे हैं उन लोगों के लिए स्ट्रेटेजी है देख लीजिए आपके सामने सब कुछ है आपने क्वेश्चन खुद जो गलत करने मैं तो कहता हूं एक भी गलत ना हो सब लोग सौ उससे पास हो लेकिन तब भी सौ क्वेश्चन सही हो सबके लेकिन तब भी मैंने बोला ना अशोक मिस्सेलिनियस में क्या आता है ये कैसे आप एक काम करिएगा ल्यूसेंट का लास्ट हिस्सा देखते हैं हेडिंग पड़ी हुई है उसमें रेलवे की स्पीड ही आएगी उसको आप देख सकते हैं इन सब में आप देखोगे ना तो जो लास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लें चलो अब आ जाते हैं हम सेकेंड सेकेंड कैटेगरी ठीक है इनसे जो इनकी बहुत अच्छी तैयारी है उनसे भी कम तैयारी जिन लोगों की है जो लोग सबसे ज्यादा डरने वाले हैं ये देखिए सबसे ताकतवर इस समय कौन है ये वाले भाई हमारे निडर है ये इनको कोई नहीं डरा सकता किसी की हिम्मत नहीं है ये थोड़ा सा डर जाते हैं कि क्या पता इतने दिनों की तैयारी है कहीं ऐसा ना हो कट ऑफ से नीचे रह जाएं इनका डर है थोड़ा सा ज्यादा नहीं है स्ट्रोंग है क्योंकि पहले से सब्जेक्ट मजबूत करके रखा है ये बेचारे बीच वाले अरे इनका बड़ा बुरा हाल है ये ना तो इस कैटेगरी में आ पा रहे हैं ना ऊपर वाली कैटेगरी में चढ़ पा रहे हैं जिनकी एवरेज तैयारी है मिड लेवल की तैयारी है उनको घबराहट भी सबसे ज्यादा हो रही है प्लान क्या करें कैसे क्या करें प्लान मैंने बता दिया है ठीक है चलिए उनको भी मैं बता रहा हूं कि क्या करना है अब देखिए जरा उनके क्वेश्चन में और ज्यादा गलत करा रहा हूं मैं देखिए आप इसको नेगेटिव वे में ना ले जाएं कि मैं क्वेश्चन गलत करवा रहा हूं मैं आपको प्रेडिक्शन करके बता रहा हूं कि इतना बुरा भी अगर आपके साथ हुआ

ठ क्वेश्चन ठीक हो पाते हैं आपके साइंस में भी आपके दो क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपके आठ क्वेश्चन ठीक होते हैं हिस्ट्री जो होती है उसमें भी तीन क्वेश्चन भी गलत करेंगे तो सात सही होते हैं पॉलिटी में भी छूट देता हूं आपको दो क्वेश्चन इसमें गलत कर दीजिए दो क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी गलत कर दीजिए और इकोनॉमी में भी एक गलत क्वेश्चन करता है तब भी आपके सेवेंटी मार्क्स आ रहे हैं क्यों घबरा रहे हैं आप लोग क्यों डर रहे हैं आप तो भी सिलेक्ट हो गए हैं क्योंकि पिछला जो लगातार एवरेज आ रहा है वो लगभग आ रहा, रहा है लगातार आप इस समय सिलेक्टेड हैं इतना गलत करने के बाद भी ओके थैंक यू प्रसून तो जिन लोगों की एक मिड लेवल की तैयारी है उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं उनका प्री भी निकल रहा है ओके तो आप सब लोग निश्चिंत हो जाए चलिए आप लोगों की चिंता कम हुई दोनों लोग दोनों कैटेगरी के, के लोगों की अब आ जाते हैं हमारे मस्त भाइयों के पास छुट भैया नेता मालूम है आपको एक कुर्ता एक पजामा सफेद जूते एक हजार रुपए में छुट भैया नेता तैयार वो सबसे बड़े नेता होते हैं आजकल कोई बात नहीं मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं हंसते खेलते पड़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा सिर्फ मैं ये कह रहा हूं जिनका सपना है पीएससी पी में उतरने का लेकिन किन्हीं कारणों से परेशान रहे नहीं कर पाए तैयारी अब करना चाहते हैं अचानक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या अभी अभी तैयारी शुरू की है ग्रेजुएशन हो चुका था लेकिन तैयारी में इतने परफेक्ट अभी नहीं है अब उनकी हालत हम देखते हैं जरा ठीक है अब चलिए बिल्कुल कम तैयारी है जिनकी इस समय उनकी बात कर लेते हैं करिए क्वेश्चन गलत जी भर के क्वेश्चन आप गलत करिए प्री के पेपर में अगर आप एक्ट के आठ क्वेश्चन ठीक करते हैं एमपी के आठ क्वेश्चन ठीक करते हैं करंट के आठ क्वेश्चन ठीक करते हैं मिसलेनियस के साथ क्वेश्चन ठीक करते हैं लगभग आधा आधे पे आते जा रहे हैं आप आधे आधे गलत करते जा रहे हैं सात क्वेश्चन साइंस में भी सात क्वेश्चन ठीक करते हैं बाकी सब गलत हो जाते हैं आपके हिस्ट्री में भी आधे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आपके पॉलिटी में भी आधे गलत हो जाते हैं और इनमें भी एक एक ही ठीक हो पाता तो आप नंबर कितने ला रहे हैं मालूम है आपको मोर देन फिफ्टी परसेंट क्या बात कर रहे हैं यार पचपन नंबर बिना पढ़ाई के इतनी कम पढ़ाई के बाद भी बताइए सेवेंटी के आप कितने करीब हैं हाय प्रिंसी सेवेंटी के कितने करीब पहुंचे हैं आप बताइए ये देखिए जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है यकीन हो रहा है आपको उनकी भी संभावना कितनी ज्यादा आप सोचिए फिफ्टी फाइव से आपने पंद्रह क्वेश्चन प्लस किए कहा पहुंचे आप सीधे सेवेंटी पे मैं तुक्का मारना भी बता सकता हूं आपको टेंशन ना लें लेकिन मैं बोलूंगा नहीं रिकमेंड नहीं करूंगा लेकिन हाँ तुक्का मारना भी जरूरी है वो भी बताऊंगा मैं आपको बिल्कुल क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहा माइनस मार्किंग है ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको नाम ना दें आप उसको नाम ना दें तब भी वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा हाँ दामिनी बिल्कुल तो ये थर्ड कैटेगरी का रिजल्ट बता रहा हूं जो लोग शुरू से मेरे को ज्वाइन किए हुए हैं वो पूरी बात को समझ चुके होंगे कि मेरा मैसेज क्या बताने का है आपको और आप सभी कैटेगरी तीनों कैटेगरी के लोग तीनों कैटेगरी के, के लोग आप प्री निकाल रहे हैं मेरा चैलेंज है अगर आप इसको आ, इस प्लान को अप्लाई करते हैं तो संशय बहुत कम हो जाएगा ये देखिए जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है वो तो बहुत गलतियां करने के बाद भी सिलेक्ट हो रहे हैं जिनकी एवरेज तैयारी है वो आसानी से सिलेक्ट हो रहे हैं और ज्यादा क्वेश्चन गलत करने के बाद नमस्कार अर्जुन और जिनकी बहुत कमजोर तैयारी है उनके लिए भी देखिए आप फिफ्टी मार्क्स तक पहुंच रहे हैं लगभग पैंतालीस क्वेश्चन गलत करने की बोल रहा हूं मैं आपसे अगर आप चाहकर भी 45 क्वेश्चन गलत कर, ना चाहते हुए 45 क्वेश्चन गलत होने की संभावना है आपकी और 55 सही होने की संभावना है तब भी आप देखिए कितनी सी ताकत आपको लगानी है अगर आप लोग जो सबसे इधर की बात कर रहा हूं आप लोग केवल एमपीजीएस एक्ट मिसलेनियस करंट अफेयर स्पोर्ट्स कंप्यूटर को पकड़ के चले इन पैंतालीस दिनों में आप तुरंत इस सेकेंड कैटेगरी में आ जा रहे हैं आप भी सिलेक्ट हो रहे हैं और जो बीच वाले हैं उनको भी मैं यही बोलूंगा इन सारे सेगमेंट को आप जल्दी स्ट्रोंग कर लें तो आप एट्टी की कैटेगरी में आ जाएंगे और जो बहुत अच्छी पढ़ाई है जिनकी उनको लोगों को बोल रहा हूं अगर आप इन छह सब्जेक्ट को करेंगे तो आप नाइनटी ऊपर जा सकते हैं परफॉर्मर बन सकते हैं अब आप बताइए कि यह प्लान आपको समझ में आ रहा है कि नहीं तो डरने की आवश्यकता है क्या आप अब डर के क्या करेंगे मुझे समझाइए कुछ आप लोगों को लग रहा है कि अब जो प्लान है इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है हम लोग सभी सेलेक्ट हो सकते हैं अच्छा परफॉर्मर भी आसानी से गलतियां करके भी सिलेक्ट हो रहा है आपका एवरेज से काफी ऊपर जा रहा है टेन परसेंट ऊपर चले गए आप पिछले कट ऑफ से आप तो सिलेक्ट हैं जिनकी तैयारी में घबराहट है जिनको अभी वो भी कट ऑफ उप से ऊपर ही खड़े हुए थोड़ा सा और ताकत लगा लेंगे तो और ऊपर तक पहुंच जाएंगे और जिनको ये लग रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा थैंक यू प्रसून जिनको लग रहा है कि बिल्कुल होगा कि नहीं होगा उनको भी बोल रहा हूं मैं आपको आपके 55 मार्क्स तो वैसे भी आ रहे हैं मालूम है आपको चलो अब मैं एक टेक्निक बता रहा हूं कान में बता रहा हूं आपके कान में किसी को बताना मत वो बता रहा हूं मैं तुक्का लगाना ठीक है ये जनरल हम इसलिए बोल रहा हूं मैं ये वाली बात ये सारी स्ट्रेटेजिक प्लान मैंने आपको बता दिया अब मैं कोशिश कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी आपको समझाता हूं जरा समझिएगा ध्यान से ए बी सी और डी चार ऑप्शन होते हैं सब लोग मेरे लेक्चर को बिल्कुल एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा वैसे कायदा तो ये बोलता है कि 25% परसेंट ए आंसर 25% परसेंट बी आंसर 25% परसेंट सी आंसर होता है ऑब्जेक्टिव्स का और 25% परसेंट डी आंसर होता है ठीक है यही आप मानेंगे एवरेज के नहीं मानेंगे ठीक है अगर आप इसमें तुक्का मारेंगे तो आपकी आंसर के सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वन फोर्थ फाइव परसेंट आपको नंबर मिलने का चांस है ठीक है चलिए मैं आपसे कहता हूं अगर एक एवरेज आप देखना शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि लगभग बी आंसर आंसर होता होता है, होता है, सी और बाकी ट्वेंटी परसेंट एटीस टू ट्वेंटी परसेंट के लगभग ए और डी आंसर निकलते हैं किसी भी एग्जाम पेपर को अगर आप थोरोली स्टडी करेंगे तो ठीक है अब क्या करना है कोशिश करेंगे अगर आपको न, नहीं लगेगा पहले पहले, पहले पहली प्रोबेबिलिटी क्या करनी है गलत ऑप्शंस को ढूंढना है ठीक है ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को अकलमंदी की बात करता तो बिल्कुल नहीं होगा इतना तो मैं कंफर्म हूं कोई सा होना हो लेकिन इतना मुझे पता है इन चार में से ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा जैसे ही आपने गलत को हटाया जैसे ही आपने गलत को हटाया तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई थर्टी अब आप किसी भी आंसर को चुनेंगे थर्टी थ्री परसेंट चांस होगा आपका आंसर सही होने का ट्वेंटी फाइव से आप कहां पहुंच गए थर्टी थ्री पर पहुंच गए ओके चलिए अब तीन में से कोशिश करें निकालने की एक और आंसर जो कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि नहीं ये तो बिल्कुल संभावना नहीं ये भी नहीं होगा तुरंत आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई पचास की अब आपका आंसर फिफ्टी आपका तुक्का सही होने की चांसेस है जैसे ही आप इनको चुनते हैं चूज करते हैं अगर आप थोड़े से बुलिश हैं कि मैं डी पर जाना चाहता हूं तो डी ही लगा दें कोई दिक्कत नहीं अदरवाइज आप सी को चुनने की कोशिश करें और अगर आप इस तरह के क्वेश्चन दो मिलते हैं आपको ए और बी तो आप फिर उसमें से बी को चुनने की कोशिश करें कोशिश करें कि आप आंसर को बी और सी में से चुने लेकिन कब थैंक यू मोहित लेकिन कब करेंगे ये पूरी कहानी आप जब आप पहले से दो आंसर्स को क्रॉस कर चुके होंगे तब आप 50 50 की स्टेज पर आ जाएंगे और 50 50 की स्टेज से आप बी और सी को चुनने की कोशिश करें ठीक है अनामिका और बाकी सारे मौजूद लोग क्या आपको लगता है कि ये मैंने आपको तुक्का लगाना सिखाया है या आपको अकलमंदी से आंसर को चूज करना बताया है ठीक उस क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा आपको लगता है कि ये टेक्निक आपकी हेल्प करने वाली है तो ये किन क्वेश्चंस के लिए करना है जिन लोगों को 10, 15, 20 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहे हैं ठीक है ना जो आपको 10 से 15 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहे हैं मुझे लगता है कि ये आपको बहुत कॉन्फिडेंट कर देगी ये चीज भी ठीक है, गुड चलो मुझे लग रहा है आप सब लोग धीरे धीरे पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं वेरी गुड यही मैं चाहता था कि मेरे सेशन के खत्म होने से पहले ही आप लोग अच्छे से पॉजिटिव हो जाएं, ठीक है वेरी गुड तो अब आपको समझ में आ गई कि ए एक सेकेंड अगर आप आंसर को चूज करते हैं ए बी सी और डी में तो आप अगर गलत आंसर को हटाना शुरू करते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट आंसर बढ़ती चली जाएगी जनाब ये मैंने बहुत काम की बात आपको बताई है सब कैटेगरी के लोगों के लिए बहुत अच्छी तैयारी वाले जिनकी मिड तैयारी और जिनकी लास्ट लेवल पर तैयारी तीनों लोगों को ये बहुत काम आने वाला है मैं बता रहा हूँ इस्ट्रेटेजी इस पे हम लोग काम करना चाहिए हमको और एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपकी 33 थ्री परसेंट प्रॉबेबिलिटी हो जाएगी दो क्वेश्चन को चुन लोगे तो आपकी 50 परसेंट चांस हो जाएंगे और इनमें से जिसमें आप बहुत ज्यादा बुलिश होने की कोशिश जिसमें आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं लव यू टू मनीष और जिन में आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं उसको चुन लें और अगर नहीं है तो वो कोशिश करें सी और बी में से आंसर को चूज करने की चलिए हो गई बातें काफी सारी आप सब लोगों को अच्छा लगा ये पूरा जो मैंने बताया आपको शुरू से लेकर आखिरी तक कोई और लोग आप कंफ्यूज हो रहे हो <coughs> क्लासेस का टाइम कौन सा टाइम बताएं आप मुझे राहुल कौन सी क्लासेस का टाइम पूछ रहे हैं आप मुझसे uh, मेरी लाइव क्लासेस रहेंगी नौ से दस और वैसे जो मेरी कोर्स चल रहा है इस पर वो जनरल साइंस अभी चल रहा है वो दस से ग्यारह रोज लेक्चर होता है मेरा जिसमें फिजिक्स कंप्लीट करा रहा हूं मैं आप लोगों को अभी थोड़ी ही देर में मतलब अभी हमारे पास कुछ मिनट हैं तो मैं फिजिक्स शुरू करूंगा आपका एक चैप्टर का एक हिस्सा तो मैं कम आज कंप्लीट करा ही दूंगा ओके सेकंड पेपर में भी 90 प्लस लाना बिल्कुल लाओ अशोक यार हम तो कहते हैं सौ के सौ लाओ ठीक है कि नहीं ओके चलिए तो ये जो मैंने था रिजल्ट प्लान के बारे में आपको पूरी कहानी आज बताई और थैंक यू प्रसून कोशिश करें जो मैंने बोला है उसको अप्लाई करें यकीन मानिए आपको बहुत फायदा होने वाला है और अपने दोस्तों को भी बताएं जो खास दोस्त हैं आपके ठीक है ना ज्यादा लोगों को ना बताएं क्योंकि सारी रणनीति अगर आप ऐसे बता देंगे तो कैसे काम चलेगा जितने लोग टाइम दे रहे हैं इस बात के लिए जिनको ये लगता है कि हमने टाइम दिया है हमें इस अप्रोच को फॉलो करना है हो सकता है कि जब आप किसी और को बताओगे वो उतना वेटेज ना दे आपकी बात का आपकी बात को उतना वजन ना दे तो आप सबसे पहले खुद सक्षम हो जाइए तो दूसरों की हेल्प करिए ठीक है चलिए तो ये मैंने सारा बताया आपको प्लान आपके बारे में और अब हमको क्या करना है भाई आप सब लोग जानते हैं चलो पढ़ाई करते हैं अब हम लोग और आपकी आज क्लास में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस किया और थोड़ी सी पढ़ाई भी करते हैं अब हम ओके फिजिक्स की क्लास अभी पढ़ा रहा हूं आधे घंटे आपको फिर दस बजे से फिर से फिजिक्स की क्लास है रात को दस से ग्यारह रेगुलर क्लास कोर्स क्लास चल रही है जो ओके चलिए तो अब अपन अगली स्लाइड पे आते हैं मैं जाने नहीं दे रहा आपको आसानी से थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं ठीक है हेलो जागेज मैंने बहुत अच्छा टीचिंग प्लान आपको बताया मतलब एक्शन प्लान बताया आप उस सब गौर करें चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं आप लोग कुछ पढ़ लें आपकी अगर मर्जी हो तो ऑप्टिक्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में खत्म करता हूं फटाफट फटाफट -फटा हम सारी स्लाइड्स खत्म करेंगे और आपको 19 स्लाइड के अंदर में लाइट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता चला जाऊंगा थोड़ी स्पीड बरकरार रखूंगा मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगा आप लोग अपनी कमर कस लीजिए तैयार रहिए ओके हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की जिसको हम बोलते हैं अपवर्तन ओके अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं इंग्लिश में बताता हूं पहले जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है अपने मार्ग को बदल लेती है इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं रिफ्रैक्शन कहते हैं ठीक है ठीके? और अगर कोई किरण विरल माध्यम से यानी रेरर मीडियम से ऐसा माध्यम ऐसा मीडियम जिसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हैं, तो उसको विरल माध्यम कहते हैं और डेंसर मीडियम जिसके पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास 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 हैं उसको डेंसर मीडियम कहते हैं तो व्हेन इट कम्स फ्रॉम रेरर मीडियम एंड इट्स इट कोर्स थ्रू डेंसर मीडियम इट डेविएट्स टुवर्ड्स नॉर्मल ओके ये नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाएगी और ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसके कुछ लॉज हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नेवर इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड इंसिडेंट रे रेफ्रेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल इन द सेम प्लेन ओके आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर कभी भी नहीं होता और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं ऑल लाइज इन द सेम प्लेन ठीक है इसके अलावा एक और लॉ है जिसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है अपवर्तन से ये सारी घटनाएं होती हैं जब विरल से सघन में जाती है रेयर से डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल अभिलंब की तरफ झुकती है और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है ये सारी घटनाएं ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वन डे एग्जाम में भी और पीएससी में भी ये क्वेश्चन एसएससी में आया था लास्ट टू लास्ट ईयर कि अगर किसी मछली पकड़ने वाले को मछली को मारना है तो उसको अपना जो तीर है अपना एरो है किधर मारना पड़ेगा तो जहां उसको मछली नजर आ रही है ये उसको मछली दिख रही है लेकिन उसको अपना तीर जहां मछली दिख रही है उससे नीचे की तरफ मारना पड़ेगा क्योंकि अपवर्तन की वजह से रिफ्रैक्शन की वजह से पानी में डूबी हुई चीजें अपनी पोजिशन से कहां नजर आती है हमको ऊपर नजर आती है ओके ये देखिए ये भी ऊपर नजर आ रही है पेंसिल टेढ़ी नजर आ रही है इन सब के आंसर क्या है रिफ्रैक्शन इसके आंसर है अपवर्तन की वजह से ऐसा होता है तो मछुआरे को मछली पकड़ने वाले को अपना जो भाला है अपना जो एरो है, है, तीर वो कहां मारना चाहिए जहां उसको पानी में मछली दिख रही है थोड़ा नीचे मारना चाहिए क्योंकि एपरेंट पोजीशन थोड़ी सी एवब नजर आती है अपवर्तन की वजह से ओके नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन कोई आपसे कभी पूछ लेके अपवर्तन का कारण बताइए वट इज द रीजन बिहाइंड रिफ्रैक्शन ठीक है ओके शिल्पी ठीक है आप नेक्स्ट क्लासेस भी लेते रहें और अवेयर होते रहें सारी क्लासेस के लिए तैयार रहें नोटिफिकेशन को पहले ही लेते रहें चलिए थैंक यू शिल्पी तो अपवर्तन की बात कर रहे हैं हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं कारण को आप क्या याद रखेंगे चेंज इन स्पीड इसको अच्छे से रट लें याद कर लें ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि अपवर्तन का कारण क्या होता है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रिफ्रैक्शन तो आप आंसर देंगे स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस इन डिफरेंट मीडिया अलग अलग मीडियम में अलग अलग माध्यमों में जो स्पीड लाइट है वो क्या हो जाती है चेंज हो जाती है ओके आप बीच बीच में अपने क्वेश्चन मुझसे पूछते रहे अगर आपको अभी तैयारी से संबंधित अपने बाकी की चीजों से संबंधित कुछ भी बात पूछनी है तो अभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं ओके इधर मैं पढ़ा रहा हूं ठीक है हाउ लाइट रिफ्रेक्ट तो आप जानते हैं कि स्पीड जो ये एयर से मान लो ये देखिए पांच छह बच्चे आ रहे हैं और ये एयर से पानी में जा रहे हैं तो एयर में तो इनकी स्पीड अच्छी खासी थी लेकिन जैसे ही पानी आया तो स्पीड कम हुई तो जो नियर है वो सबसे नियरेस्ट पाथ को खोज कर कहा जाना चाहेगा बाहर निकलना चाहेगा और जो चूंकि सबकी स्पीड स्लो हो गई है तो जो पहले वाला है वो जल्दी से स्लो स्पीड में छोटा पाथ रिसीव करके निकल जाता है फिर सेकंड नंबर पर सेकंड की बारी आती है फिर थर्ड नंबर पर वो ऑल लेट आता है इसलिए आप समझ रहे हैं पूरी बात को कि लाइट रेस कैसे एक के बाद एक लेट होती चली जाती है रिफ्रेक्शन के समय ओके नाउ मिराज फॉर्मेशन आप जानते हो मरीज का इसको बोलते हैं हम कभी आप देखते हैं कि आप कार चला रहे हैं आपको सड़क पे कुछ बबल्स वो वेपर जैसी दिखती उठती हुई या कभी कभी आपको क्लाउड की इमेज नजर आ जाती है नीचे की तरफ सड़क पर आप देखते हैं तो आपको क्लाउड की इमेज नजर आती है ये सब क्यों होता है देखिए ऊपर रेयर मीडियम से लाइट की रेज डेंसर मीडियम में जैसे ही पहुंचती है तो पहले कैसी होती है डेविएट होती जाती है और फिर जैसे जैसे ऊपर उठती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाने लगती है जैसे सामने वाले की आंख में पड़ती है तो सामने वाले को इमेज कहां बनती दिखती है नीचे एक इल्यूजन होता है एक भ्रम होता है जिसकी वजह से इस तरह का ये होता है ओके थैंक यू तरुण आपका भी मेरे जैसा नाम है थैंक यू यस नित्या मिराज टोटल इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कोई अलग चीज नहीं है वो ये अपवर्तन को ही टोटल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि दो मीडियम में इसमें एंटर करने की वापस देते उस, तो है है, तो हैं ना? तो आप बिल्कुल सही है है, इसको टीआईआर भी बोल सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी बोल सकते हैं या फिर ये एक तरह का क्या है अपवर्तन ही है जो क्रिटिकल एंगल से कहा निकल गया ऊपर निकल गया ठीक है एक और एक्शन बताता हूं आपको अगर आपको मिराज का डायरेक्ट आंसर करना है तो आपको बोलना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आंसर देंगे आप। परावर्तन होता है। लेकिन पूर्ण आंतरिक रिफ्रैक्शन में क्या होता है सनलाइट सन अर्ली सनराइज लेट सनसेट आप जानते हैं ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार आप जानते हैं अपेरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार ये सारी घटनाएं किससे होती है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन समझ रहे तो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसकी शुरुआत कहां से होती है अपवर्तन से ही होती है लेकिन फाइनली जब मिराज बनता है तो क्या कंडीशन बन जाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बन जाती है आ गई बात समझ में आपको चलिए नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम सी जिसको आप जानते हैं थ्री इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड होती है ठीक है अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम ओके स्पीड ऑफ लाइट इन द गि मीडियम इन दोनों का जो रेशियो होता है इससे हम पता कर लेते हैं कि लाइट की स्पीड किस मीडियम में कम या किस मीडियम में ज्यादा हो सकती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट कैसी हो जाएगी थोड़ी कम हो जाएगी मीडियम में ओके थैंक यू हर्षदीप अब हम बात कर रहे हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वर्ण विक्षेपण हिंदी में इसको बोलते हैं हम वर्ण वर्णों का रंगों का विक्षेपित हो जाना वर्ण विक्षेपण डिस्पर्सन ऑफ लाइट तो स्प्लिटिंग ऑफ द व्हाइट लाइट इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ओके इसके जो भी कलर हैं जब वाइट लाइट जाती है किसी प्रिज्म के अंदर तो हेलो आर जब ये कलर्स में अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में क्या हो जाती है अलग अलग कलर में बट जाती है क्यों होगा ऐसा आप ही आंसर बताओ मुझे सनलाइट जो है या व्हाइट लाइट है क्यों डिफरेंट कलर में बदलेगी ये बिकॉज ऑफ इन सब की मीडिया बदलने से इसमें डिफरेंट वेबलेंस इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो नमस्कार राहुल ऑरेंज और रेड ये सारे डिफरेंट कलर हैं इनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है जिसको लेमडा से हम शो करते हैं तरंग दर्द जिसको बोलते हैं सबकी अलग अलग और अलग तरंग दर्द अलग अलग है यानी कि ंग के अलग होने से यानी कि आपकी जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट होने से वेवलेंथ का सीधा रिलेशन किससे है स्पीड से है चाल से है वेलोसिटी से है जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी रेड कलर की शर्मा जी नमस्कार रेड कलर की वेवलेंथ कैसी होती है ज्यादा होती है तो रेड कलर हाई स्पीड से सबसे पहले निकल जाता है जबकि वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम होती है इसलिए वो क्या करता है सबसे आखिरी में निकलता है ओके okay? चलिए आगे बात करते हैं हम तो ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट है ये जो पैटर्न हमको सामने मिला इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम ठीक है है हमको होता और इसको हम वर्णक्रम बोलते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं ये दो तरह का होता है एक विजिबल स्पेक्ट्रम एक इनविजिबल स्पेक्ट्रम जो आपको दिख रहा है डिफरेंट कलर्स तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम है और जो नहीं दिखता है एक्सरे गामा रे अल्ट्रावायलेट रेज माइक्रोवेव्स रेडियो वेव्स यूवी रेज ये सारे क्या है इनविजिबल स्पेक्ट्रम है वो होते इसी के हिस्से हैं ठीक है वो भी निकलते हैं इससे बाहर ओके okay? तो ये हमने देखा वर्ण विक्षेपन डिसन ऑफ लाइट इसकी खोज किसने की थी न्यूटन ने की थी न्यूटन जान का दुश्मन न्यूटन ने फिजिक्स में बड़ी खोज करी है सब बच्चे न्यूटन से बड़े दुखी रहते हैं लेकिन चलिए ये जो खोज है वो काम भी आती है हमारे ठीक है ना कोई बात नहीं अड़े रहो तो न्यूटन ने इसकी डिस्कवरी की थी और ये है डिस्पर्सन ऑफ लाइट कारण है इसका डिफरेंट वेवलेंथ होने से डिफरेंट स्पीड का हो जाना अलग अलग तरंग तरह से अलग अलग स्पीड का हो जाना ओके तो ये देखिए विजिबल स्पेक्ट्रम आप देख रहे हैं ये सात रंग वाला स्पेक्ट्रम है इसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं जबकि अल्ट्रा वायलेट एक्सरे इंफ्रा रेड रेडियो ये हमको दिखती नहीं है इसलिए इसको कौन सा स्पेक्ट्रम बोलते हैं हम इनविजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं ओके नाउ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वाई स्काई अपियर्स ब्लू आपको पता है ना स्काई क्लाउड्स हैं वो व्हाइट क्यों दिखते हैं इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग को क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं हिंदी में प्रकीर्णन फ्रेंड्स बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं इंपॉर्टेंट है ये प्रकीर्णन का मतलब ये होता है सिंपल सी बात है सनलाइट जो आ रही है वो क्लाउड्स एटमोस्फियर के जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल से टकराकर बिखर जाती है और बिखर जाती है तो हमारी आंखों तक वो सारी की सारी बिखरी हुई लाइट हमारी आंखों तक पहुंच जाती है ठीक है जो लाइट सबसे ज्यादा बिखरती है उसकी वजह से हमें वैसा रंग नजर आता है क्लाउड्स हमको सफेद नजर आते हैं क्योंकि सारे के सारे रंग रिफ्लेक्ट कर दिए पूरी सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया जब भी सारे कलर्स रिफ्लेक्ट होंगे तो कैसा रंग दिखेगा आपको व्हाइट दिखेगा लेकिन स्काई अफेयर ब्लू आसमान का रंग नीला नजर आता है सनलाइट जब एटमोस्फियर के पार्टिकल से टकराती है तो बिखर जाती है इस घटना को इस फिनोमिना को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकीर्णन ये राजा साहब लॉर्ड रिलिग लॉ बोलते हैं इसको हम इन्होंने एक नियम दिया था लॉर्ड रिलिक्स लॉ बोलते हैं ये ऐसा बोलते हैं कि उस रंग की स्कैटरिंग आई फॉर स्कैटरिंग स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी जिसकी वेवलेंथ कम होगी इन्होंने रूल दिया था स्कैटरिंग प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन लेमडा पावर फोर यानी कि जिसकी तरंग दर्द ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी अब आपको पता है विबग्योर में में आप देखेंगे सबसे हाईएस्ट जो वेवलेंथ है वो किसकी है सबसे ज्यादा रेड की है यानी कि रेड की स्कैटरिंग क्या होगी सबसे कम होगी जबकि वॉयलेट की, की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा हो सकती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है तो जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग ज्यादा ओके इसे हम लॉर्ड रिलिक लॉ बोलते हैं रॉड लिरिक का नियम बोलते हैं ये रॉड लिरिक का फोटो छपा हुआ है पता नहीं इन्होंने ड्रेस इतनी जबरदस्त वाली क्यों पहनी है मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या इन्होंने पहना ये टाई है या पंखा कोई लगा रखा है इन्होंने कोई बात नहीं लेकिन आपने अच्छा काम किया थैंक यू सो मच इस कैटरिंग के बारे में लॉ दिया ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसकेटरिंग के डिफरेंट एग्जाम्पल जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट होकर पूछे गए हैं उनकी बात कर रहे हैं वाई स्काई अपियर्स ब्लू आप जानते हैं विब ग्योर वी आई बी जी वाई ओ आर आकाश नीला क्यों दिखाई देता है ओके okay. तो आप देखिए कि वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है फिर इंडिगो की कम है फिर ब्लू की कम है यानी कि इनकी तीनों की वेबलैंथर तो कौन होगा बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग वॉयलेट इंडिगो और ब्लू की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है इसलिए, इसलिए इन सबके मिलने जुलने से हमको स्काई का कलर कैसा अपियर होता है ब्लूइश कलर लगता है ओके okay? चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्लाउड्स आप देखते हैं सफेद बादल होते हैं और काले बादल भी होते चलिए हम देखते हैं स्कैटरिंग की वजह से जो व्हाइट जिनमें वाटर नहीं होता जिन वेपर्स में वो क्या करते हैं पूरी सनलाइट को स्कैटर कर देते हैं इससे व्हाइट नजर आते हैं जबकि जो ब्लैक क्लाउड्स होते हैं घटाएं जो होती हैं उनमें क्या भरा होता है पानी भरा होता है पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं और डस्ट के पार्टिकल भी थोड़े बहुत एटमोस्फेयर की इम्प्रोटीज वगैरह आ जाती है तो ये सब कुछ मिलकर क्या करते हैं व्हाइट कलर को क्या कर लेते हैं अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं जितना ज्यादा कलर एब्जॉर्ब होगा उतने क्लाउड्स कैसे नजर आने वाले हैं आपको ब्लैक नजर आने वाले हैं ओके चलिए सनराइज और सनसेट के टाइम ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा गया है ओके वेलकम अनुपमा सनराइज़ सनसेट के समय जो स्काई होता है वो हमको येलोइश नजर आता है <coughs> या रेडिश नजर आता है हमको क्यों नजर आता है भाई लाल रंग का या पीले रंग का क्यों नजर आता है उसका कारण यह है कि जो रेड कलर है उसकी वेबलैंथ कैसी होती है ज्यादा रेड कलर की वेबलेंथ कैसी होती है ज्यादा होती है इसलिए उसकी स्कैटरिंग कम होती है 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 रेड के के बाद औरेंज। औरेंज के बाद कौन आता ऑरेंज ऑरेंज येलो ठीक है? तो इन इन तीनों तीनों कलर जो हैं की मिक्सिंग हमको नजर आती है सनराइज और सनसेट के समय येलो ऑरेंज रेडिश कलर का आसमान दिखता है उसका कारण इनकी स्कैटरिंग कम होती है मतलब आप ये समझ लीजिए रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है ठीक है इसलिए रेड कलर लंबी दूरियों को तय करता है आकाश वेलकम आप लेट हैं थोड़ा सा कोई बात नहीं लेकिन स्कैटरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं तो रेड कलर की वेबलैंथ ज्यादा होने की वजह से रेड <coughs> कलर की स्कैटरिंग कम होती है और उसे दूर से देखा जा सकता है ओके अनुराग एंड सोनाली वेलकम तो मैं आपको बता रहा था सन का कलर क्यों स्लाइड जब आई आपको बताने के लिए तो थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ चलिए तो डेंजर सिग्नल जितने भी हैं वो रेड बनाए जाते हैं रेड ओके खतरे के जितने निशान है उन वो कैसे रखते हैं हम हमेशा रेड रखते हैं ठीक है <coughs> जैसे टावर पे लाइट जो होती है वो देखिए आप रेड कलर की होती है जिससे कोई भी एयरक्राफ्ट वगैरह इससे टकरा ना जाए ट्रैफिक सिग्नल में रुकने के लिए लाल निशान का उपयोग करते हैं आप और येलो और, सॉरी ऑरेंज येलो होता है जो स्टॉप के लिए होता है और ग्रीन होता है ग्रीन सिग्नल के आप जा सकते हैं ओके और ओ ये ये खतरे का निशान नहीं है सॉरी कोई भी बुरा ना माने मेरी बात का लेकिन ये थोड़ा सीरियस है तो दुल्हन को रेड कपड़े पहनाए जाते हैं इसलिए नहीं <laughs> कि वो खतरनाक है इसलिए बल्कि उसका अपियरेंस दूर तक देखा जा सके और दूर तक देखे जा सकने की वजह से वो सब लोगों से हटके नजर आए ओके स्कैटरिंग की वजह से हमें क्या होगा बाकी के कलर की स्कैटरिंग हो सकती है लेकिन दुल्हन को स्पेशल दिखना होता है इसलिए उसे हम रेड क्लॉथ प्रोवाइड कराते हैं यह खतरे का निशान नहीं है बल्कि इसकी ज़्यादा होने से कई लोग आप देखेंगे पोस्टर में रेड कलर का बैकग्राउंड का इस्तेमाल करते हैं उसका पीछे एक ही रीजन होता है कि उस कलर को दूर से देखा जा सके और अफियरेंस स्ट्रॉन्ग हो जाए ओके थैंक यू आगे चलते हैं स्काई अफियर्स ब्लैक एस्ट्रोनॉट्स को जितने भी लोग अंतरिक्ष में जाते हैं उनको पूरा स्काई ब्लैक नजर आता है उसका रीजन ये होता है कि वहां एटमोस्फियर ना होने की वजह से कलर्स की स्कैटरिंग नहीं होती और हमको कैसा नजर आता है वो ब्लैक नजर आता है ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है ओके चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन बहुत सारे क्वेश्चन इससे आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन से कैसे के आप जानते हैं एटमोस्फियर में डिफरेंट लेयर होती है ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर मीजोस्फियर आइनोस्फियर एग्जोस्फियर छो मंडल समताप मंडल अलग अलग तरह के मंडल होते हैं आप जानते हैं तो इन मंडलों में क्या होता है इन स्फीयर्स में क्या होता है अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से <coughs> जो नियर बाय लेयर्स होती है एटमोस्फियर की उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसकी सघनता ज्यादा होती है जबकि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं पृथ्वी से तो सघनता कम होती चली जाती है अब यही होता है कि सनराइज का टाइम आया और दो मिनट पहले ही हमको आई एवन टू अर्ली दो मिनट पहले ही सन क्या दिखने लग गया सभी को दिखने लग गया जबकि अभी तो वो पूरी तरह से होगा नहीं है रीजन क्या है इसका कि जब सन से आने वाली लाइट रेज एटमोस्फियर में एंटर करेंगी तो विरल से सघन में यानी कि रेयर टू डेंसर रेयर टू डेंसर रेयर टू डेंसर नतीजा क्या होगा वो डेविएट होती जाएंगी टूवर्ड्स द नॉर्मल ओके वेलकम नवीन द नॉर्मल झुकने की वजह से हमको जो पोजीशन है देखने वाले को वो कहां देखेगी आपको सन की देखेगी नहीं मैं ऐसा नहीं मानता नवीन फी, फीस बहुत है देखिए आप ऐसे समझिएगा बात को कभी आपकी फीस फाइव हंड्रेड होती अब आपकी फीस उन्होंने ढाई हजार रुपए कर दी मान लो फॉर एग्जाम्पल दो मिनट के लिए ये, ये मुद्दा अब सोचने का नहीं है ना आंदोलन करने का है दो हजार रुपए एक्स्ट्रा के पीछे आप अपना दिमाग क्यों अपसेट कर रहे हैं पैंतालीस एग्जाम होना एक साल में आप डिप्टी कलेक्टर बनने जा रहे हैं और आप 2000 अगर बढ़ा दिए सरकार ने तो हम इसको टेंशन लेके बैठ जाए या अपनी तैयारी पर यह कोई समय मुद्दा नहीं है पूरी बातें छोड़ दो नवीन और ध्यान दो आप तो केवल पढ़ाई पर जो फीस है मान लो तीन हजार कर दें तो आप क्या पीएससी करना तैयारी करना छोड़ोगे क्या वो पांच हजार कर दें आप तैयारी करना छोड़ दोगे क्या पीएससी की तो ये अब मुद्दा नहीं है फिलहाल अब हम एक्शन प्लान की बात करें दो हजार रुपए दो मैं चाहता हूं कि दो हजार रुपए डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर देखूं ओके चलिए तो की की वजह से हमें सन पोजीशन कैसी दिखती है अपनी रियल पोजीशन से ऊपर नजर आती है इसलिए बोलते हैं हम अर्ली सनराइज और लेट सनसेट जैसे सन पहले ही दिखने लग गया इसलिए डूबने के बाद भी सन हमको देर तक दिखता रहता है क्योंकि उसकी आने वाली ड्राइट रे अभी भी हमको हमारी आंखों तक आती रहती है ओके okay? तो एक ही आंसर देंगे आप अर्ली सनराइज लेट सनसेट का ओके okay? तो जो है आंसर अपना एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन नाउ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार स्टार वो भी उसका रीजन क्या है लाइट से आने वाली लाइट की रेज चूकी एटमोस्फेयरिक डेंसिटी चेंज होती रहती है इसलिए कभी टुवर्ड्स द नॉर्मल कभी अवे फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल अवे फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल अवे फ्रॉम नॉर्मल बार बार अपनी पोजीशन चेंज करती है और हमारी आंखों तक आती है तो हमें कभी स्टार ये तारा वो तारा ये तारा वो तारा तारे की पोजीशन हमको कैसे दिखती है बहुत अच्छी बात है राहुल लेकिन आप अवेयर हैं जो लोग अवेयर हैं वही इतने जागरूक होते हैं कि वो इस तरह की क्लासेस को अटेंड करते हैं आप आ, बिल्कुल श्योरटी है मुझे कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा ओके तो इस तरह से ये स्टार्स हमें डिफरेंट पोजीशन पे नजर आते हैं ठीक है और ये अपनी रियल पोजीशन से स्टार ऊपर नजर आते हैं उसका रीजन भी क्या है एटमॉस्फेयर नवीन <laughs> आप ठीक वैसे तो मैं हिंदी बोल रहा था मैं भूल गया थोड़ी देर में कि मुझे हिंदी भी, भी बात करनी थी मतलब के के एटमोस्फियर के, के अंदर से आने वाली वायुमंडल से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं उनका अपवर्तन लगातार होता रहता है और चूंकि माध्यम की सघनता विरलता बदलती रहती है इसलिए आंखों तक आते आते वो दिशा जो है किरणों की अलग अलग हो जाती है इसलिए हमें स्टार्स की पोजिशन अलग अलग नजर आती है ओके ऐसे ये देखिए ये तारे से आ रही किरण लेकिन इसका अपवर्तन हुआ ये झुक गई देखने वाले को क्या लगेगा कि स्टार कहां पर है इस पोजीशन पे तो अपनी पोजीशन से ऊपर दिखते हैं स्टार्स हमको तारे ठीक है अब दिखा रहा हूं मैं आपको पोलराइजेशन पोलराइजेशन क्या होता है एक्चुअली लाइट जो है पोलराइजेशन इसको हिंदी बोलते हैं ध्रुवण ओके लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसमें जो वेव के प्रोपगेशन है ये देखिए दो फील्ड होते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड परपेंडिकुलर जा रहा है और उसके परपेंडिकुलर कौन सा फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड है दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं इसका मतलब अगर ये मेरे सामने पिन पॉइंटेड लाइट रे आ रही है तो एक वाइब्रेशन ऐसे हो रहा होगा उसके अंदर एक वाइब्रेशन ऐसे हो रहा होगा एक वाइब्रेशन ऐसे हो रहा होगा एक वाइब्रेशन ऐसे हो रहा, ऐसे हो रहा, ऐसे हो रहा किसी भी डायरेक्शन हो रहा होगा लेकिन अगर मैं इसके आगे एक ऐसी स्लिट लगा दू एक कार्डबोर्ड रख दिया मैंने और उसमें एक सिर्फ ऐसी वर्टिकल स्लिप है स्लिट है स्लिट छेद कर दिया है मैंने इसमें <coughs> ये छेज और ऊर्ध्वाधर दो तरह की ऊर्जाएं इसमें चल रही हैं प्रकाश जो है विद्युत चुम्ब की तरंग होती है अब जब मैंने स्लिट ऐसा बनाया है छेद ऐसा बनाया तो उसमें से कोई एक ही तरंग पास हो सकती है सिर्फ एक ही तरंग आ रही है तो परपेंडिकुलर वाली तरंग बाहर निकल पाई अब ये जो प्रकाश आया वो पोलराइज लाइट है वो ध्रुवित प्रकाश है और ये ध्रुवित प्रकाश आंखों में चकाचौंध पैदा नहीं करता चमकता नहीं आंखों में ओके जबकि अध्रुवित प्रकाश जो है वो चमकता है यानी नॉन पोलराइज जो लाइट ट्यूबलाइट से इन सब से आती है वो सब नॉन पोलराइज लाइट होती है ओके नाउ इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस का मतलब होता है व्यतीकरण व्यतीकरण सीधी सी बात है दो तरंगें जब आपस में टकराती हैं तो वो एक दूसरे को प्रभाव डालती हैं एक दूसरे के ऊपर दो वेव्स एक दूसरे से जब टकराती हैं जैसे पानी में आपने एक कंकट डाला तो पानी चारों तरफ एक लहर पैदा करता है और बगल में ही आपने एक और पत्थर फेंका तो वो दूसरा भी एक लहर पैदा में। लेजर लाइट की एक वेव आना शुरू हुई इस तरह से दूसरी वेव निकली वो भी आना शुरू हुई जब ये वेव एक दूसरे से टकराई तो इन्होंने एक पैटर्न निर्मित कर दिया और देखिए इस तरह से कहीं ज्यादा डार्क ब्लैक है कहीं लाइट है कहीं ब्लैक है कहीं लाइट है कहीं ब्लैक है इस पैटर्न की वजह से क्या हो गया यह घटना किसकी वजह से हो गई व्यक्तिकरण की वजह से इंटरफेरेंस की वजह से ओके नाउ कलर्स प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं रेड ग्रीन एंड ब्लू तीन कलर होते हैं जिनसे मिलके सारे कलर बनाए जा सकते हैं उनको हम प्राइमरी कलर्स कहते हैं फिर प्राइमरी कलर दो प्राइमरी कलर को मिला के जो कलर बने उसको सेकेंडरी कलर बोलते हैं जैसे येलो बन सकता है ग्रीन और रेड को मिला के येलो बनता है ब्लू और ग्रीन को मिला के सियान कलर बनता है और रेड एंड ब्लू को मिला के मेजेंटा बनता है ओके तो ये बन गए सेकेंडरी कलर्स प्राइमरी से मिलके कौन से बने सेकेंडरी कलर्स बने समझ रहे हैं आप बात को और फिर बनते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन से कलर्स होते हैं जो कि डिफरेंट कलर को यानी कि प्राइमरी को और किसको मिलाएं हम सेकेंडरी को मिलाएं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करें हम अलग-अलग कलर के साथ में तो इस तरह के कलर अपने तैयार होते हैं ओके तो ये डिफरेंट कलर है एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कलर जितने भी होते हैं वो जिस चीज को जिस वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं वो चीज वैसी ही हमको नजर आती है बस ब्लैक जो है वो ब्लैक कलर सारी वेवलेंथ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है सारी शक्ति को हम देखो काला रंग तांत्रिक लोग यूज करते हैं कि नहीं करते <laughs> मैं ऐसे एग्जाम्पल देना पसंद करता हूं क्योंकि उससे समझ में आपको आसानी से आता है सारी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने, करने के लिए देखो मैंने भी काली टी शर्ट पहनी अभी आप लोगों की शक्ति को मैं ऐब्जॉर्ब नहीं ऐसा नहीं, नहीं करूंगा मेरा तो आशीर्वाद आपके साथ है हमेशा हाँ नित्या जो प्राइमरी कलर्स हैं वही दिखना बंद होते हैं लेकिन सारे नहीं हम इसको प्रोटोनोपिया डूटेरोनोपिया और ट्राइटोपिया बोलते हैं जिसमें एक में रेड अकेला नहीं दिखता तो ग्रीन और ब्लू नहीं दिखते हैं लेकिन अगर रेड नहीं होगा और ब्लू और ग्रीन दिखेंगे भी तो उसको कलर विजन कैसे बना पाएगा क्योंकि सारे कलर बनाने के लिए उसे तीनों कलर की नीड पड़ेगी समझ रहे हैं रेड भी ब्लू भी और वो भी चलिए तो इस सेशन को मैं खत्म कर रहा हूँ डेढ़ घंटे से मैं आपको पढ़ा रहा हूं मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को पीएससी का जो मैंने मेथड दिया था क्रैकिंग करने वाला वो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो सब लोग मुझे जिंदा होने का सबूत दे दें एक बार थैंक यू बोल दें जल्दी से क्योंकि तो मैंने बड़ी मेहनत की आप लोगों को ये बताने के लिए कि कैसे आप पी को क्रैक कर सकते हैं और बाकी मैंने आपको लाइट पढ़ाया आप सब लोगों को शुभरात्रि बहुत बहुत आपको शुभकामना आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत अच्छी गहरी नींद आए और मेरी उम्मीद है मेरी दुआएं हैं अब मेरी आशा करता हूं कि आप सब लोग आने वाले समय में एग्जाम्स को क्रैक करने जा रहे हैं थैंक यू